हेलो स्टूडेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल स्वागत है आप सभी लोगों का एडी ऑनलाइन क्लासेस में कैसे हैं आप सब लोग बढ़िया है जुड़ जाएं सभी लोग हमारा जो प्रैक्टिस सेशन है आज आर एस एम एस एस बी डिग्री के लिए जेई का जो डिग्री वाला एग्जाम है होने वाला है 12 सितंबर को प्रैक्टिस सेट सिक्स से आज पांच सेट हो चुके हैं आप जरूर उन सेट को देख लें बढ़िया से आज आपके लगभग हम चालीस पैंतालीस क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं ठीक है उसके बाद तुरंत आप जो है नॉन टेक का पोर्शन करेंगे ठीक है ठीक है ब्लैक चलो वेरी गुड सभी लोग जुड़ जाए जी कैसे हैं सब लोग गुड मॉर्निंग जी स्वाति साहो गुड मॉर्निंग राधे जी गुड मॉर्निंग राधे जी वेरी गुड बहुत अच्छे हैं सर चलो वेरी गुड चलिएगा सेशन को बिना देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं जी है ना उसके बाद नॉन टेक वाला पोर्शन है आपका रुक गया है क्या वीडियो चलो देखना सर देखना इसमें बढ़िया बढ़िया चलो भाई दिख पा रहा ना आपको बढ़िया से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें स्क्रीन पर दिख रहा है सबको बढ़िया शेयर कर दें क्लास को वट इज द होल सर्कल बियरिंग ऑफ द क्वाड्रेंटल बियरिंग ऑफ अ क्वाड्रेंटल बियरिंग मतलब कि आपको इसको क्वाड्रेंटल बियरिंग में चेक करना है गुड मॉर्निंग जी प्रेरणा जी चलिएगा सभी लोग जुड़ जाएं। वट इज द होल सर्कल बियरिंग ऑफ क्वाड्रेंटल बियरिंग बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे भाई मैं बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा आपको ठीक है क्योंकि एग्जाम के रिक्वायरमेंट भी नहीं है तो टेंशन नहीं लें बिल्कुल भी बस ध्यान रखें कि जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं हर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है रवि गुड मॉर्निंग जी वेरी गुड शेयर कर दें एक बार क्लास को सभी लोग बढ़िया से सभी लोग शेयर कर दें फटाफट से जुड़ें लाइक कर जरूर करें ठीक है ना और सॉल्व भी करें साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें व्हाट इज द होल सर्कल बियरिंग ऑफ द क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम ऑफ नॉर्थ 15 डिग्री प्रहलाद कुमार गुड मॉर्निंग डायनमोजी गुड मॉर्निंग वेरी गुड गुड मॉर्निंग जी गुड मॉर्निंग सभी लोग जुड़ जाए फटाफट से ठीक है बारह सेप्टेम्बर को एग्जाम है आपका फटाफट से जुड़ जाएंगे देखिएगा ऑब्जेक्टिव सेशन तो आप तैयारी कर ही रहे हैं साथ साथ मैं आपको ये जरूर सजेस्ट करूंगा पर्सनली कि आप जैसे कि सर्विंग में अगर आपका वीकनेस है कमजोरी है स्टील में जरा कमजोरी है आरसीसी में कमजोरी है थोड़ा सा स्ट्रक्चर के पार्ट में डीएसडी के में कमजोरी है तो जरूर थोड़ी लेक्चर जरूर देखें यूट्यूब में बिल्कुल निःशुल्क बिल्कुल ठीक है ना खैर चलेगा शुरू करते हैं डियर स्टूडेंट यहां पर सर स्क्रीन दिखाओ तो चलिए तो यहां पर मैं सबसे पहले ये बना देता हूं विद्यार्थियों ये देखो ठीक है ये तुम्हारे पास नॉर्थ होता है ये साउथ होता है बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको टेंशन न ले वेस्ट हो गया और इधर हो गई पूरब दिशा जहां से आया सूरज पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण बोला क्या क्या है कि नॉर्थ 15 डिग्री 28 वेस्ट की तरफ है मतलब कि आपकी जो लाइन है वो इस साइड है जी जो लाइन है वो इस साइड है ए बी इस लाइन को मैं नाम दे देता हूं और आपको ये ड्रॉ करना जरूर आता है ये ड्रॉ आपने किया सर कितना है जरा ज्यादा समय मत लगाओ किसी का भी अभी आंसर नहीं आया है पंद्रह डिग्री ट्वेंटी मिनट पंद्रह डिग्री ट्वेंटी मिनट ओके ये हो गया आपका होल सर्कल बियरिंग का मतलब है कि नॉर्थ से आपको लेना है नॉर्थ से लेना है आपको तो बहुत बढ़िया जी मतलब कि आपको नॉर्थ के रेफरेंस में 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 लेना है सर ये वाला एंगल हमें चाहिए तो आप एक काम करो 360 360 डिग्री में से, डिग्री से से माइनस करना होगा 15 डिग्री 28 मिनट लेकिन क्या करते हैं ना हम जल्दीबाजी में एक गलती कर लेते हैं हम तीन में से घटा देते हैं जो कि गलती आता है आप जानते हैं कि एक डिग्री जो होता है साठ मिनट का होता है और एक मिनट जो होता है साठ सेकेंड के बराबर होता है इन डेटा को जरूर ध्यान रखेगा यही तुम्हारे पास काम आएगा अब मैं क्या कर सकता हूं थ्री फिफ्टी नाइन डिग्री थ्री फिफ्टी नाइन डिग्री साठ मिनट में लिख सकता हूं क्या किसको पूरा गोला जो है तीन सौ साठ डिग्री का है तो उसमें से मैं घटा सकता हूं क्या वेरी गुड तो यहां पर आपने देखा ये देखो चंबल का डाकू हां बेटा यही काम रह गया था यही देख देखने को रह गया था सही नाम रखा है भाई तुमने हाँ इसके अलावा देखो और काम भी है भाई दुनिया में चंबल का डाकू है <laughs> चलेगा तो 360 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं 359 फिफ्टी नाइन डिग्री साठ मिनट वेरी गुड तो यहां पर इसको घटा दो 15 डिग्री हो गया और 28 मिनट हो गया भाई तो 10 में से 8 गया दो हो गया वेरी गुड बहुत बढ़िया यहां पर हो गया आपका कितना अरे जल्दी से जवाब करो यार इतना समय लगाने की तो जरूरत था ही नहीं है कितना हो गया बत्तीस हो गया है कि नहीं है योग्य चार यो गया जी इतना मतलब कि सीधे सीधे आपका आंसर आ गया सर तीन डिग्री और 32 मिनट आपका आंसर बन चुका है बस तो फाइनली हमारे पास कौन सा ऑप्शन बना तीन डिग्री 32 मिनट मतलब कि ये एंगल जो आ गया तीन डिग्री 32 मिनट दैट मींस बी ऑप्शन क्या किसी ने क्या था बी है ना बी ऑप्शन क्या बोल रहे हैं राजस्थान टेक्निकल हेल्पर की क्लास भी चला करो सर चलो ठीक है अभी फिलहाल मैं राजस्थान को टारगेट किया था मतलब किसी पे पेपर के हिसाब से टारगेट कर रहा हूं जो तुम्हारा बारह सितंबर को है आगे चलेंगे हम जरूर चलेंगे बस आप जरूर एक हमारे पास वो दिखाओ एक विश्वास जताओ विश्वास दिखाओ हमारे पे बताओ जरा आपने पढ़ा जरूर होगा जीवन में डीएस क्वेश्चन आपके पास विच ऑफ दी फॉलोइंग इज द करेक्ट रेशियो करेक्ट रेशियो ऑफ द रिफ्रैक्शन करेक्शन टू द करबेचर करेक्शन बताइएगा जवाब करें जरा सभी लोग सभी लोगों का जवाब बढ़िया था कोई दिक्कत नहीं थी सभी लोग क्लास को एक बार शेयर जरूर करें विद्यार्थियों जी ने बहुत बढ़िया आंसर कर दिया और इसमें से लगभग लगभग आपको 15 परसेंट क्वेश्चन ऐसे हैं जो 12 सितंबर को मतलब कि जो आपका पेपर हो चुका है डिग्री वाला उसमें आए हुए क्वेश्चन है ये सबको समझ आया ना इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर वेरी गुड आगे बढ़ रहा हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इसको मैं रब कर दे रहा हूं आपके लिए जल्दी से जवाब करें भाई देखिएगा वेरी गुड यहां पर अगर आप देखें करबेचर करेक्शन ठीक है ना एक होता है करबेचर करेक्शन करबेचर के लिए और ठीक है ना और नेक्स्ट होता है हमारे पास वेरी गुड वेरी गुड मतलब कि सी हो जाता है मतलब कि करबेचर सी सी अगर हम देते हैं सी आर दिस इज इक्वल टू वन बाय सेवन ऑफ सी सी यस और नॉट ये होता है क्या तो आप बोल दोगे कि इन दोनों में रेशियो जो है सी ऑप्शन हो गया दैट मीन द वन बाय सेवन एग्जैक्टली वेरी गुड तो आपका आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सवाल में क्वेश्चन नंबर फोर एगोनिक लाइन क्या होता है एगोनिक लाइन को आप फिगर को आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन में एगोनिक लाइन इज द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट देखिएगा सिंपल सा क्वेश्चन है जवाब करें फटाफट से बोला गया है एगोनिक लाइन इज द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट है क्लास को एक बार अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई टेंशन होता है जैसे कि आपके पास अगर टेंशन हो रहा है कि सर सर्विंग हमें समझ नहीं आ रही है आरसीसी तो एक बार जरूर लेक्चर को देखें भाई सर्विंग का बहुत अच्छे से मैंने करवा रखा है ठीक है यूट्यूब में ही है निःशुल्क है फ्री ऑफ कॉस्ट है एगोनिक लाइन किसको कहा जाता है दो चीजें यहां पर बहुत जरूरी है पढ़ना आपको देखेगा एगोनिक लाइन जल्दी से बताएगा ए बी सी डी में वेरी गुड जीरो लाइन मतलब कि परफेक्टली ट्रू नॉर्थ पर है आपकी जो आपकी जो लाइन है ट्रू नॉर्थ पर है डिक्लीनेशन जीरो तो ऐसा कोई लाइन ऐसा कोई लाइन मतलब कि अर्थ पर अर्थ के सरफेस पर ऐसा कोई लाइन जो ड्रॉ कर रहे हैं आप जहां पर कि डिक्लीनेशन जीरो है उसी को बोलते हैं हम जीरो जिस को बोलते हैं क्या जल्दी से बोलेगा उसी को बोलते हैं हम एगोनिक लाइन दैट मीन्स द ए मतलब कि सीधे सीधे अगर मैं बोलूं कि एगोनिक लाइन एगोनिक एगोनिक लाइन या एगोनिक लाइन बोलो जल्दी से तो सीधे सीधे आपका जीरो याद करो इसको पिछली बार क्वेश्चन आया हुआ ये पिछली बार आया हुआ है ठीक है 2020 में जो हुआ था जीरो डिक्लीनेशन बिल्कुल जीरो डिक्लीनेशन का लाइन को ड्रॉ करोगे तो वही तुम्हारा एगोनिक लाइन हो जाएगा वेरी गुड अब आता है कि नेक्स्ट अगर हमारे पास दूसरा एक और यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है आइसोगोनिक आइसोगोनिक दोनों को ध्यान रखो क्या पता है? इस बार आइसोगोनिक पूछ ले तो आइसोगोनिक लाइन का मतलब है कि जब आपका डिक्लीनेशन सेम हो मतलब कि पृथ्वी के अर्थ के सरफेस पर जो आपका सेम डिक्लीनेशन की लाइन को अगर आप ड्रॉ करें सेम डिक्लीनेशन का लाइन को उसको बोला जाता है क्या बोलोगे यहां पर सेम डिक्लीनेशन यहां पर हो जाएगा आइसोगोनिक में सेम डिक्लीनेशन सेम डिक्लिनेशन, ओके दिस इज द आइसोगनिक लाइन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहा हूं जल्दी से बताएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इमल्सन पेंट ये तुम्हारे थियोरिकल क्वेश्चन है इसमें हम ज्यादा देर नहीं करेंगे इमल्सन पेंट फटाफट से जवाब करो वेरी गुड इमल्सन पेंट इमल्सन पेंट ये तुम्हारे थियोटिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें ज्यादा देर न करें विमल्सन पेंट कंटेंस इमल्सन पेंट कंटेंस शेयर जरूर एक बार क्लास को करें भाई जब तक शेयर नहीं करोगे लाइक करें जरा फटाफट से, फटा फट से। वेरी गुड पोलीबिनाइल 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 पोली एसिडेट इसको बताया था पोलीबिनाइल एसिटेट डी ऑप्शन कंप्लीटली सही हो जाएगा वेरी गुड आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब जरा इसमें जवाब करो यहां पर तो भाई साहब आपके पास जवाब चाहिए मुझे फटाफट से क्वेश्चन नंबर सिक्स फटाफट जवाब करो आपके लिए बोर्ड साफ कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर सिक्स फटाफट से जवाब करो क्वेश्चन नंबर सिक्स फाइंड द सर्फेस टेंशन इन द दॉप बबल कट रहा है क्या कुछ चीजें चलेगा फाइंड द दॉफ बबल एक काम करते हैं थोड़ा सा मैं आपको पूरा दिखा देता हूं ये लो ये लो जल्दी से बोलो दिख रहा है ना बढ़िया से पढ़ लेता तो हूं मैं कोई बात नहीं अगर आपको दिखने में दिक्कत हो रहा है बोला गया कि फाइंड द सरफेस टेंशन इन द शॉप बबल ऑफ द फोर्टी एम एम डायमीटर वेन द इन साइड प्रेशर दिस इज इक्वल टू टू पॉइंट फाइव न्यूटन पर एम न्यूटन पर मीटर अब दटमोस्फेरिक प्रेशर व्हाट विल बी द सर्फेस टेंशन बोला गया है सरफेस टेंशन जब आप करें तुक्न मारे बिल्कुल भी क्वेश्चन को सॉल्व करो मेहनत करो ईमानदारी से ठीक है देखिएगा तीन कंडीशन होती है डियर स्टूडेंट इसको रट डालो मेरे साथ एक होता है एट सिग्मा बाय डी पहला कंडीशन ध्यान से देखते रहो फॉर्मुला भी रटा रहा हूं आपको दूसरा कंडीशन होता है पी इज इक्वल टू फोर सिग्मा बाय डी वेरी गुड दूसरा कंडीशन और तीसरा कंडीशन होता है लिक्विड प्रेशर का टू सिग्मा बाय डी ये तीसरा कंडीशन ये हो जाता है तीसरा कंडीशन अब देखो सर कौन कौन सी कंडीशन किसके लिए होता है ये वाला होता है हमारा बबल सॉप के लिए बबल होलो बबल के लिए होलो बबल मतलब कि दो इंटरफेस जिसको रहता है जिसमें ये होता है हमारे पास ड्रॉपलेट के, के लिए लिक्विड ड्रॉपलेट लिक्विड ड्रॉपलेट वेरी गुड लिक्विड ड्रॉपलेट और नेक्स्ट हमारे पास लिक्विड ड्रॉपलेट डी ठीक है ना और नेक्स्ट रहता है आपका लिक्विड जेट के लिए अभी आपके पास कौन सा केस है जी क्या बोला है यहां पर शॉप बबल है मतलब कि होलो बबल को आप शॉप बबल भी कहते हैं साबुन का साबुन का झाक शॉप बबल ओके शॉप बबल ओके तो यहां पर डियर स्टूडेंट ये फॉर्मूला आपको लगाना था बस खत्म चलो लगा देते हैं बिना देरी करे हुए वे। वेरी गुड सब लोगों का आंसर सही आ रहा है देखियो याद करने का तरीका भी मैंने आपको बताया था एग्जाम में हम लोग भूल जाते हैं एग्जाम में हम लोग भूल जाते हैं मैंने कई बार अपनी क्लासेस में आपको बताया है कभी भूल जाओ आप वैसे तो भूलने वाली बात तो नहीं है कई बार आपने इसकी प्रैक्टिस कर दी होगी ए बी सी डी ई e, एफ जी और एच ठीक है इस तरह से याद रखा करो ए बी सी डी ई एफ जी और एच यहां पर ए डी तुम्हारा नंबर आ रहा है कितने पर फोर पर ये इलीगल तरीका है कोई लीगल तरीका नहीं है ये एच तुम्हारा आ रहा है आठवें नंबर पर तो कभी कभार हम भूल जाते हैं कि कहां पर कौन सा लगाना है तो एच तुम्हारा इंडिकेट कर रहा है होलो बबल होलो का मतलब एच है और एच कितने नंबर पर आता है एट नंबर पर हो गया काम फॉर्मूला याद आ गया एग्जाम में चलो अब यहां पर है दूसरा फोर सिग्मा टी यहां पर फोर जो है ड्रॉपलेट से इंडिकेट कर रहा है और ड्रॉपलेट जो है फोर नंबर पर है समझ गए अब आंसर करो। अब आंसर करो अब आंसर करो डीएसटूडेंट यहां पर आपसे बोला यह गया है कि आपको निकालना है जी पी इज इक्वल टू एट सिग्मा क्योंकि होलो बबल है हमको निकालना है सिग्मा दैट इज इक्वल टू पी इन टू डी अपॉन एट प्रेशर का वैल्यू दे रखा है उसने कितना दे रखा है 2.5, 2.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर नहीं हा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दे रखा है है ना सरफेस टेंशन दे रखा है सरफेस टेंशन दे रखा है डियर स्टूडेंट आपको निकालना क्या है एटमोस्पिर प्रेशर ही निकालना है ना प्रेशर ही निकालना है तो पी इज इक्वल टू एट इंटू सिगमा सिगमा का वैल्यू टू पॉइंट फाइव डाई को चेंज कर देना जरूर चालीस बटे आप कर दोगे इसको हजार मीटर में आ जाएगा ठीक है ना एमएम MMM है ना उसको मीटर में करना है चलोगी आंसर निकालो बस मुझे आंसर चाहिए आंसर निकालो जरा बढ़िया से आंसर बताओ बढ़िया से क्या हो जाएगा ए ऑप्शन आ रहा है क्या वेरी गुड तो यहां पर ये यह आंसर करोगे आप जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो वन टू फाइव यही आ रहा है क्या हाँ यूनिट गलत दी है यूनिट को मैं सेज कर देता हूं यूनिट यूनिट गलत दिया है, अच्छा यूनिट गलत दिया है भाई यूनिट का खेल गड़बड़ कर रहा है हमको ना यहां पर मैं इसको सही कर देता हूं देखो मैं यहीं पर कर लेता हूं इसको सही टेंशन ना लें ये तुम्हारे पास न्यूटन पर मीटर ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ठीक है तो सिग्मा वहां से निकाल देना सर प्रेशर गिबन है हा इसीलिए तो इनसाइड प्रेशर दिया है ना टू पॉइंट फाइव सरफेस सिग्मा इज इक्वल टू एट कर देना सब कुछ दे रखा है बस यहां पर डी को चेंज कर देना बस मीटर में ठीक है चलो खैर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द लेसी थ्योरी द सिल्ट सपोर्टिंग एडीज आर जनरेटेड फ्रॉम द अगर देख पा रहे हैं आप क्वेश्चन को सिंपल है छोटा क्वेश्चन है जरा जवाब करो जवाब करें सिग्मा निकालना है ना हाँ ठीक है यूनिट से मेरा गड़बड़ा गया था थोड़ा सा यूनिट में गड़बड़ क्वेश्चन में थी वो मैंने सही कर दिया क्वेश्चन नंबर सेवन में वेरी गुड देखेगा लेसी थ्योरी है जी और लेसी थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि यहां पर दोनों तरह का एडीज की बात वो करता है लेसी की बात कर रहा हूं मैं कैनेडी की बात नहीं कर रहा हूं यहां पर जो आपके सपोर्ट में जो एडीज जनरेट होंगे पानी के साथ और साइड्स में भी जो एडीज हमारे जो भंवर हैं जो आपके लॉसेस कराएंगे फ्रिक्शन और क्योंकि देखेगा जहां जहां पानी का कांटेक्ट होगा पानी का कांटेक्ट बॉटम में भी है साइड में तो एड तो वहां पर सरफेस जो है फ्रिक्शन के कारण कुछ ना कुछ भंवर वहां पर कनरेट जनरेट तो होंगे ही इसलिए वो दोनों की बात करता है भाई सी ऑप्शन हो जाएगा मतलब कि बॉटम एज वेल एज साइड ऑफ द चैनल खत्म नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छा नंबर ऑफ लिंक इन द रेवेन्यू चेन रेवेन्यू चेन में नंबर ऑफ लिंक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन फटाफट से जो आपको पता है उस पर हम ज्यादा देर नहीं करेंगे वेरी गुड जल्दी से जवाब करो नंबर ऑफ लिंक्स इन द रेवेन्यू चेन रेवेन्यू चेन की बात हुई है रेवेन्यू चेन लिंक की बात कर रहा हूं मैं गलत मत करना कितना होता है जी वेरी गुड तो हमारे पास 16 लिंक यहां पर हो जाते हैं नंबर ऑफ लिंक इन द रेवेन्यू चेन दिस इज द 16 कितना होता है 16 ओके okay? आगे बढ़ रहा हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है बहुत बढ़िया से और इसको सबसे पहले जवाब देखते हैं कौन है वो विद्यार्थी जिसका पहला आता है इस क्वेश्चन के लिए आपको तो मिलता है पचास हजार का इनाम <laughs> सर आप बोलते रहे तो आप पचास रुपए दे दो बस बहुत है पचास हजार दो आप पचास दे दो बस बहुत है हाँ <laughs> वेरी गुड चलो भाई जवाब करो सबसे पहले जवाब किसका आता है वेरी गुड हम्म जरूर एक बार क्लास को कर दें इफ द क्वाड्रेंटल देरिंग ऑफ द लाइन नॉर्थ 38 डिग्री ईस्ट देन हो सर्कल बियरिंग ऑफ द लाइन कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है अरे पूछे हुए क्वेश्चन है भाई इनको कम मत समझना पूछे हुए हैं ठीक है, है? जवाब करो hmm. अच्छा ईमानदारी से बताओ क्वेश्चन आपको साफ साफ दिख रहा है क्या ये नया सेटअप मैंने आज किया है क्वेश्चन साफ साफ दिख रहा है आपको कोई दिक्कत देखने में सही है ना बढ़िया है मजेदार तरीके से बोर्ड पर कुछ अलग फील होता है पढ़ने का भी पढ़ाने का भी और समझने का भी चलिए गए हम आते हैं यहां पर डियर स्टूडेंट पूरा फीलिंग आपको दिलाएंगे ऑफलाइन वाली देखो हमारे पास नॉर्थ दे दिया है और साउथ होता है अगेन ईस्ट होता है बिल्कुल जल्दी से जवाब करो किसी का आंसर नहीं आया अभी तक किसी का आंसर नहीं आया ऑलवेज कंफ्यूज क्यों जी कंफ्यूज क्यों है हुँ? इतना सिंपल क्वेश्चन है ये देखो लाइन ये है इसमें तो मुझे एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत ही नहीं थी ए से बी पर जा रहे हैं आप ए से जा रहे हैं बी की तरफ ठीक है और नॉर्थ 38 डिग्री पर है और ईस्ट की तरफ ही है तो भाई साहब हो सर्कल बियरिंग अड़तीस डिग्री ना वाह डी ऑप्शन अड़तीस डिग्री हो सर्कल बियरिंग अड़तीस डिग्री अड़तीस डिग्री खत्म मुझे बोल रहे हैं राधे जी बोल रहे हैं कि सर सी ऑप्शन होगा कैसे होगा मुझे बताओ तो कैसे होगा सी ऑप्शन केवल एक ही ऑप्शन एक ही आदमी का एक ही पर्सन जो हुआ है राधे जी ने सी ऑप्शन किया कैसे होगा बेटा अगर ये यहां होता वेस्ट वाले में तो तब आप घुमाते क्योंकि आपको कंफ्यूज इसलिए हो रहा है कि आपको क्वाड्रेंटल बियरिंग जो होता है पता नहीं है क्वाड्रेंटल बियरिंग आपका नॉर्थ से भी रिफरेंस ले सकते हैं साउथ से भी क्लॉक भी ले सकते हैं एंटी क्लॉक वाइज जबकि होल सर्कल बियरिंग हमेशा आप लेंगे नॉर्थ से ही और क्लॉक लेंगे चलिए खैर समझ गए क्या वेरी गुड आगे बढ़ रहे डी ऑप्शन हो गया था इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब करें इसको खुद कैलकुलेट आपको करना है क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर टेन हम्म <laughs> पता है चलो भाई पता है तो अच्छी बात है मजाक कर रहा था मैं चलेगा नेक्स्ट स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन है जवाब करें ईमानदारी से क्रॉप रिक्वायर्ड अ टोटल डेप्थ ऑफ नब्बे सेंटीमीटर ऑफ दी वाटर फॉर द बेस पीरियड ऑफ वन वन जीरो डेज देन द ड्यूटी ऑफ वाटर ड्यूटी ऑफ वाटर ओके ड्यूटी ऑफ वाटर की बात की गई है बताओ जरा जवाब करें वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बहुत देखिएगा यार ड्यूटी और डेल्टा का कहानी तो आप याद ही करो कि ड्यूटी दिस इज इक्वल टू वट एट पॉइंट सिक्स फोर बेस पीरियड अप डेल्टा लेकिन एक चीज यहां पर ध्यान रखिएगा भाई जो कि आपका बेस पीरियड होता है ये डेज में होता है दिनों में ड्यूटी आपका होना चाहिए मीटर में और सॉरी डेल्टा और ड्यूटी होना चाहिए हेक्टेयर पर क्यूमिक में तब जाके ये फॉर्मूला अप्लाई होता है लेकिन यहां पर ड्यूटी में खेल खेला है चेंज कर दो कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास 8.64 बेस पीरियड जो है वो दे रखा है कितना दिया है जल्दी से बताओ अरे बोलो 110 दिया है कैलकुलेशन का खेल है बस 90 सेंटीमीटर है एक मीटर में 100 सेंटीमीटर इसको मीटर में चेंज करने के लिए हंड्रेड का डिवाइड बहुत बढ़िया वेरी गुड इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा क्वेश्चन नंबर वेरी गुड जल्दी से जवाब करो कितना आ रहा है ऑप्शन आ रहा है ना तो मतलब कि हेक्टेयर पर क्यूमिक आपका आंसर आ जाएगा जो कि है ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए बन जाता है वेरी गुड बहुत बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन इफ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ सॉइल मास देन द च टाइप ऑफ सॉइल इज दैट बोलो कौन से टाइप की सॉइल है बोलो कृष्णा कांत यादव अरे सवाल का जवाब सब लोग सही करो भाई ठीक है ना एक बार देखो सवाल को बढ़िया से उसके बाद जवाब करो वेरी गुड बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं विद्यार्थियों जो कि डायरेक्ट आपको जवाब करने तो आपको पता होना चाहिए प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो जीरो होता है वो होता है विद्यार्थियों सैंडी सॉइल के लिए किसके बोला सैंडी सॉइल के लिए तो सैंडी सॉइल के लिए प्लास्टिसिटी इंडेक्स जीरो होगा याद रखोगे चले खैर आगे बढ़ रहा हूं मैं विच ऑफ द फॉलोविंग इज नॉट द डिस्प्लेसमेंट मैथड ध्यान से सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा देखेगा दो तरह का मेथड हमेशा ध्यान रखो और जीवन में कभी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत भी नहीं मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं देखो किसी भी स्ट्रक्चर को ये स्ट्रक्चर एनालिसिस का क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम का क्वेश्चन आई है जो 2020 में हुआ था यहां पर दो तरह का किसी भी स्ट्रक्चर को वो डिटर्मिनेट हो या इनडिटर्मिनेट हो सुन लो मेरी बात को दो स्ट्रक्चर होता है एक डिटर्मिनेट और एक इंडिटर्मिनेट ठीक है तो किसी भी स्ट्रक्चर को एनालिसिस करने के लिए एनालाइज करने के लिए हमारे पास दो तरह का मेथड ऑफ एनालिसिस आता है और ये आता है आपका एक फोर्स मेथड एक आता है सुन लीजिए फोर्स मेथड ऑफ एनालिसिस और एक आता है डिस्प्लेसमेंट मेथड दो तरह का मेथड बस सुनते रहो कहानी को सब याद आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट मेथड डिस्प्लेसमेंट मेथड ऑफ एनालिसिस डिस्प्लेसमेंट मेथड ऑफ एनालिसिस ओके तो फोर्स मेथड में बहुत सारे मेथड है वर्चुअल वर्क हो गया इंस्टर्न एनर्जी मेथड हो गया ठीक है ना कॉलम एनोलॉजी मेथड हो गया बहुत सारे मेथड है तो मेरे पास एक ट्रिक है ट्रिक ये है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मेथड में एग्जाम्पल कम क्या बोला मैंने डिस्प्लेसमेंट मेथड में एग्जाम्पल कम और फोर्स मेथड में बहुत सारे एग्जाम्पल एक का याद कर लो आपका क्वेश्चन निकल जाएगा देखेगा एक का याद कर लेते हैं हम सबसे पहला डियर स्लोप डिफ्लेक्शन मैथड क्या बोला जाता है इसको स्लोप डिफ्लेक्शन मैथड याद कर लो जल्दी से स्लोप डिफ्लेक्शन मैथड मैंने क्या ट्रिक बताई कि एक का याद कर लो क्वेश्चन बन जाएगा क्योंकि क्वेश्चन इसी तरह से आएगा कि एक का याद होगा तो दूसरा बन जाएगा दूसरा मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड ये भी आपने शायद पढ़ा हो मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन मेथड मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड ये दूसरा हो गया तीसरा मेथड होता है कानीज मेथड बस बस हो गया काम खत्म तीसरा मेथड होता है डीएसन कानीज मेथड ये तीन मेथड याद कर लो हो गया काम खत्म लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं रहता है कि जो स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड होता है उसमें हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन को यूज करते हैं इसी बेस पर इस स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड को हम एक दूसरा नाम भी कहते हैं इक्विलिब्रियम मेथड क्या बोलते हैं इक्विलिब्रियम मेथड भी इसको बोला जाता है तो मतलब कि ये तीन याद कर लेना इनडायरेक्टली आपको फोर्स मेथड का भी बात हो जाएगी खत्म देखो कैसे क्वेश्चन पर आते हैं क्वेश्चन पर आते हैं क्वेश्चन पर आओ जल्दी से क्वेश्चन पर बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डिस्प्लेसमेंट मेथड क्टर मेथड ये तुम्हारा फोर्स डिस्प्लेसमेंट मेथड है मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मैथड डिस्प्लेसमेंट मेथड है कानीज मेथड तो तीन आपने याद किए इसका मतलब ये चौथा हमने नाम नहीं सुना सर यही तुम्हारा जो होगा बी ऑप्शन यही होगा क्या यही होगा जी यही होगा फोर्स मेथड समझ के बात को तो इसीलिए मैंने आपको तरीका बताया हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बहुत बढ़िया नेक्स्ट आते हैं नहीं स्टिफनेस मैट्रिक्स नहीं स्टिफनेस मेथड अलग उसमें एक एग्जांपल है ठीक है ना के एस एम हा ठीक है ये भी याद रखते हैं के एस एम कसम से मस्त ट्रिक है के एस एम सही है सही है बढ़िया है सही जा रहे हो बेटा सब लोग बताओ जरा क्वेश्चन नंबर थ्री थर्टीन में अब यहाँ पर गलती होने के चांसेस हैं भाई क्योंकि पहले भी मैंने क्वेश्चन कराया है तो लगभग लगभग 90 परसेंट लोगों ने इसका जवाब गलत किया था शायद अगर आपने पहले इसको डील कर लिया मेरे साथ अब तो नहीं करोगे शायद मुझे जहां तक तो उम्मीद है गलती करोगे गलती क्विक लाइम ऑन द रिएक्शन विच विद चलिए जो आप करें हो गया तो यहां पर क्या था आपका आंसर सी ऑप्शन था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ठीक है ना सी आप सभी लोगों का आंसर सी हो जाएगा इसमें ठीक है चलिए जी आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है जवाब करें फटाफट से जवाब जरूर करें बढ़िया से इसका जवाब गलती मत करना भाई लो तब तक मैं हथियार भर देता हूं गोली चलाने के लिए और ढाई ढाई फिर गोली मारेंगे सर कहा मारोगे ऐसा पाप करोगे सर फिगर दिख तो रहा है आपको फिगर में कोई दिक्कत नहीं है चलो मैं थोड़ा सा आपको एक काम करता हूं इसको फिगर को और प्रोजेक्ट कर देता हूं लो आपके लिए अब तो दिख रहा होगा अब बताओ तुक्का ना मारे भाई बिल्कुल भी तुक्का वाला क्वेश्चन तो है ही नहीं है और मैं आपको एक मजेदार बात बता दूं कि क्वेश्चन आपका आया हुआ है क्वेश्चन आपके एग्जाम में डीएस पर पिछली बार आया है वो क्वेश्चन मैं करा चुका हूं जो आया हुआ था लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग मैंने करवाया आज जवाब करें विद्यार्थियों ये कुछ इस तरह से ट्रस एक्चुअली में टू डी ट्रस देख पा रहे होंगे आप फिगर में टू डी ट्रस्ट है ये। यहां, पर, यहां पर कुछ इस तरह से लाइक दैट और भी कुछ है क्या काम इसमें हाँ सर कुछ और काम भी हो रहा है इसमें ये हो गया ऐसा ठीक है इसके बाद क्या किया जा रहा है ऐसा एक मेंबर ऐसा जोड़ दिया गया है ठीक है बस इतना है उसके बाद ऐसा और फिर ऐसा ठीक है ये है और फिर यहां से भी मेंबर को जोड़ा गया है ऐड कर दिया गया है मैं दिखा देता हूं आपको ऐसे है और ऐसे है बस बस फिगर बन गया फिगर बन गया जी बस यहां पर जो ये सपोर्ट है ये हॉरिजॉन्टली है बस लेकिन ये तुम्हारे पास हिंद सपोर्ट है जब आप किसी का आया क्या बहुत लोगों ने जवाब कर दिया देख लेते हैं चेक कर लेते हैं देखो ट्रस हमारा बन चुका है थोड़ा सा फिगर में गड़बड़ होगा जरा सा मेरी ज्योमेट्री अच्छी नहीं है फिगर अच्छा नहीं होगा शायद आपको दिख रहा होगा बट आंसर सही निकाल दूंगा मैं देखो अभी विद्यार्थियों सबसे पहले यहां पर आपको ज्वाइंट गिनना है तो ज्वाइंट आपको क्योंकि फॉर्मूला जो लगेगा एम प्लस आर माइनस टू जे का लगेगा दिस इज इक्वल टू डीएस ये फॉर्मूला है भाई फॉर्मूला ये लगेगा डीएस इज इक्वल टू एम प्लस आर माइनस टू जे ये फार्मूला लगना है भाई फॉर्मूला यही लगेगा एम प्लस आर माइनस टू जे एक ज्वाइंट दूसरा ज्वाइंट तीसरा ज्वाइंट देखते तो रहो तीसरा ज्वाइंट ओके चौथा ज्वाइंट ये लो चौथा ज्वाइंट ओके पांचवा ज्वाइंट ये छठवां ज्वाइंट और लास्ट में सातवां ज्वाइंट तो ज्वाइंट हो गए जी कितना नंबर ऑफ ज्वाइंट दैट इज इक्वल टू सेवन सात से ज्यादा नहीं होंगे यहां पर इनको गलती मत करना ये जो मैंने यहां पर करे ना ऐसे इनको ज्वाइंट मत बोलेगा ये तुम्हारे फ्री टू मूवमेंट है मतलब कि ऐसा और ऐसा 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 ना सकते हैं तो ये फ्री टू मूवमेंट है ये तुम्हारे ज्वाइंट नहीं कहलाएंगे ठीक है यहां पर दो रिएक्शन आएंगी ऐसे ऐसे क्योंकि ये हिंद सपोर्ट है तो दो यहां पर हो गई विद्यार्थियों और दो यहां पर हो गई तो एम मेंबर अब तो आपको गिनना है मेंबर गिनो जरा देखते हैं मेंबर कितने लोग गिन पाते हैं देखो एक मेंबर ठीक है दूसरा मेंबर ये पूरा एक मेंबर है भाई ये पूरा एक मेंबर है तो दूसरा मेंबर अगेन ज्वाइंट टू ज्वाइंट गिनते ना ये पूरा एक मेंबर है तीसरा मेंबर चौथा मेंबर ये देखो पांचवा मेंबर फाइव सिक्स हो गया सेवन ये पूरा हो गया ठीक है ना पूरा उसके बाद आठवां मेंबर नवा हो गया दसवां मेंबर ग्यारवा और बारह मेंबर तो नंबर ऑफ मेंबर दैट इज इक्वल टू बारह जो अब आपको आर की जरूरत थी तो आर दो और दो चार हो गया तो डीएस इज इक्वल टू बताओ डीएस इज इक्वल टू एम का वैल्यू हो गया सर बारह प्लस आर चार हो गया माइनस टू टाइम्स ऑफ ज्वाइंट ज्वाइंट हो गया सोलह सिंपल था क्वेश्चन सिंपल सता क्वेश्चन क्या वेरी गुड तो डीएस इज इक्वल टू टू आपको इस तरह से करना होता बताओ समझ आया नहीं आया कोनो दिक्कत नहीं है सर ठीक है आगे बढ़े चलिएगा समझ आया ना वेरी गुड क्वेश्चन नंबर 15 में जवाब करो इसमें ज्यादा रुकने का जरूरत नहीं है बताओ इसमें जवाब करो फटाफट से अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील यूज फॉर द प्री स्ट्रेसिंग इज नियरली प्री स्ट्रेसिंग की बात हो रही है विद्यार्थियों प्री स्ट्रेसिंग में आप कितना यूज करते हैं तो आपका लगभग लगभग पंद्रह सौ होता है क्या फिफ्टीन हंड्रेड पंद्रह सौ न्यूटन पर एम स्क्वायर वेरी गुड आगे बढ़ रहा हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन में जवाब करें एन एलिमेंट इन आर बॉडी ऑफ द होमोजीनियस आइसोट्रोपिक मटीरियल आइसोट्रोपिक मटीरियल स्ट्रेन इन एक्स स्ट्रेन इन वाई एंड स्ट्रेन इन जेड आर नॉर्मल स्ट्रेन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन पूछा गया आपको मैग्नट्यूड ऑफ द यूनिट वॉल्यूम चेंज इन द एलिमेंट कुल मिलाकर आपको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन चाहिए तो क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन में एक्स वाई और डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में स्टेन इन एक्स वाई डायरेक्शन में स्टेन इन वाई एंड एक्स इस... डायरेक्शन में स्टेन इन, इन, इन तो टोटल तो 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 तीनों को जोड़ दोगे तीनों डायरेक्शन में तो आपके पास आंसर आ जाएगा ये ठीक है ना तीनों को जोड़ दिया नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट बताइएगा जल्दी से टर्म बल्क मॉडुलस इन टर्म ऑफ बल्क मॉडुलस के एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी पॉइजन रेशियो कैन बी एक्सप्रेस एज पॉइजन रेशियो जल्दी से जवाब करो पॉइजन रेशियो कैसे निकालते हैं आप एक फॉर्मूला होता है पॉइजन रेशियो के लिए शायद आपने पढ़ा हो कभी जीवन में सर नहीं पढ़ा हमने कभी पॉइजन रेशियो नहीं पढ़ा म्यू इज इक्वल टू जो होता है मैंने आपको ट्रिक भी बताया था बत्तीस लिख दो बासठ लिख दो बत्तीस और बासठ लिख दो और के जी के जी किलोग्राम किलोग्राम वैसे के जी के जी अलग है माइनस से प्लस की तरफ चल जाओ तो ये हो जाता है आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा ना वेरी गुड आगे बढ़ रहे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर सेवनटीन आपने कर दिया एटीन वाला चलो भाई जवाब करो इसमें इसमें तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दूंगा ये तुम्हारा पिछली बार का क्वेश्चन है जो आपका 2020 में हुआ था ना आपका तो वहां पर ये क्वेश्चन आया हुआ था तो जल्दी से जवाब करें गलती ना करें इस क्वेश्चन का जवाब तो बिल्कुल अच्छे से करें बहुत बढ़िया से गलती ना करें जी गलती का टू क्लोज्ड कोइल्ड स्प्रिंग वेरी गुड वेरी गुड राधे जी ने पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया है एटीन में डी ऑप्शन कर रहे हैं वेरी गुड मतलब कि आपको पता है कि अगर आपका स्प्रिंग सीरीज में होता है ये सीरीज में है ठीक है ना इसकी बोल रहा है कि यहां पर के है यहां पर के टू की जगह टू के लिख रहा है तो यहां पर आप बताओ आप कि क्या होगा इसका स्टिफनेस तो इसका स्टिफनेस जो होगा के एस लिख देता हूं इक्विवेलेंट के लिए तो वन अपॉइंट के वन प्लस वन अपॉइंट टू के आप कर देते हैं इसको सॉल्व करो डियर स्टूडेंट तो टू के प्लस के ऊपर में हो जाएगा थ्री के अपॉन टू के स्क्वायर तो यहां से कैंसिल आउट करोगे तो थ्री अपॉन टू के हो जाएगा कितना हो जाएगा थ्री अपॉन टू के मतलब कि के एस इज इक्वल टू वन अपॉन के एस होता भाई है भाई ठीक है ना वन अपॉन के एस थ्री अपॉन वन अपॉन के एस इज इक्वल टू थ्री अपऑन टू के अगर आपको के एस निकालना है टू बाई टू के अपॉन थ्री हो जाएगा तो स्प्रिंग आपका जब सीरीज में है तब तो आ गया ये ठीक है ना और अगर आपका पैरेलल में है पैरेलल का मतलब कुछ ऐसा हुआ होगा दो स्प्रिंग आ रही होंगी ऐसे और यहां पर लोड इधर लग रहा होगा ठीक है ये पैरेलल कनेक्शन है तो यहां पर इसका के होगा अगेन ये टू के हो जाएगा तो के पैरेलल के लिए जो हो जाता है दोनों जुड़ जाते हैं आपको पता होना चाहिए तो ये हो जाएगा के प्लस टू के दैट मीन्स थ्री के कर दो जरा ऑप्शन कर दो के एस अपॉन के पी करना आपको रेशियो निकालना है दोनों का रेशियो कर दो तो आपको आ जाएगा डायरेक्टली फिर टू बाई नाइन आ जाएगा ठीक है ना चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर करते हैं इफ द थ्री क्वाल्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट अच्छे से पढ़े इसको ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है इफ द थ्री क्वाल्ड एंड टू ओपन क्वाल्ड हेलिकल स्प्रिंग ईच वन ऑफ दी जवाब करो जरा फटा फटाफट से जोड़ने जल्दी से जवाब करो देखेगा क्लोज क्वाल क्या होता है क्लोज क्वाल का मतलब है कि जिसके स्प्रिंग है ये काफी क्लोजली है ट्विस्टिंग में फेलियर होते हैं ट्विस्टिंग क्या डोमिनेट होता है जब आप ओपन क्वल की बात करें तो इसके स्प्रिंग जो है बहुत ज्यादा ओपनली रहते हैं ये देखो आप समझ रहे हैं इन दोनों में आप ये जवाब कर सकते हैं क्लोज क्वल्ड है ये तुम्हारा ओपन क्वल्ड है पूछा गया है बोला गया है ईच हैविंग द स्टीफनेस देखेगा दो तो ये है सॉरी तीन तो ये है क्लोज वाले और दो ये वाले हैं तो टोटली आपके पांच हो गए कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर आपको सीरीज में बोला ना बोला गया है सबके सब किस में सीरीज में है और सबका स्टिफनेस के है कोई टेंशन नहीं लेना डियर स्टूडेंट के ऑफ के इक्विवेलेंट जो आप निकालोगे वन अपॉन के पांच है ना तो वन अपॉन के प्लस वन अपॉन के प्लस वन अपॉन के प्लस वन अपॉन के पांच है ना कोई फर्क नहीं पड़ता वो क्या है करते रहो वन अपॉन के इक्वेलेंट इज इक्वल टू आपने किया वन अपॉन के प्लस के वन अपॉन के प्लस के कंफ्यूज किया गया था आपको कि दो स्प्रिंग आपके हेलिकल में मतलब कि क्लोज हैं और दो आपके ऐसे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है इसको सॉल्व करेंगे आप तो फाइव अपॉन के हो जाएगा फाइव अपॉन के हो जाएगा और K के इक्वलेंट लेके आप तो के अपॉन फाइव हो जाएगा मतलब कि ऑप्शन नंबर बी आपका जवाब हो गया ठीक है चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ट्वेंटी का जवाब करें स्क्रीन पर, स्क्रीन पर है आपके ट्वेंटी वाला क्वेश्चन हम्म जवाब करो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी आपकी स्क्रीन पर है फटाफट से पोलर मॉडल ऑफ दी सॉलिड सर्कुलर मेटल साफ्ट पोलर मॉडलस बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया ट्वेंटी का बी हो जाएगा ना सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल सही बात है पोलर मॉडल्स का फॉर्मूला होता है पाई अपॉन हम्म सिक्सटीन फॉर्मूला बताओ जरा पोलर मॉडल का फॉर्मूला बताओ शेयर जरूर एक बार कर लें क्लास को फॉर्मूला बताओ बताओ जरा फटाफट से बी ऑप्शन आप कर रहे हैं तो बी ऑप्शन ही करेक्ट है फॉर्मूला किसी को याद हो पोलर मॉडल जेड इज टू होता है I अपॉन वाई ही करना है I का वैल्यू है पाई d का क्यूब अपॉन सिक्सटीन एग्जैक्टली है ना क्या क्या होगा आपने पोलर मॉडलर्स का मतलब मूवमेंट ऑफ इनर्सिया सर्कल का अपॉन y। पोलर मोवमेंटमेंट सॉरी मूवमेंट ऑफ इनर्सिया होता है पाई बाई सिक्सटी फोर डी टू पावर फोर अपॉन d by टू करोगे तो ये आ जाएगा आपका पाई डी क्यूब अपॉन सिक्सटीन वहां से आपको इसको d का वैल्यू तो दे ही रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं वेरी गुड क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन समरी ऑफ स्ट्रेस आंसर एट अ पॉइंट इन द बॉडी ये तुम्हारा जो स्ट्रेस होता है एडजस्टेंट पैरल प्लेन पर तो ये मूवमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन के बेस पर आप कर पाते हैं मूवमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन ठीक है ना ये सोम का आपका क्वेश्चन है ठीक है ना अच्छा क्वेश्चन है सी ऑप्शन आपका करेक्टली हो जाएगा ठीक है सी ऑप्शन आगे बढ़ रहा हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बॉडी हैविंग द सिमिलर प्रॉपर्टी थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम आई एस टू थाउजेंड ट्वेल्व में था ये क्वेश्चन लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करिएगा आपकी स्क्रीन पर नहीं दिख रहा है तो मैं इसको इधर हटा देता हूं लो ठीक है बताओ आप बॉडी हैविंग द सिमिलर प्रॉपर्टी थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम ये बोला गया है थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम जवाब करो विद्यार्थियों फटाफट से थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम इसको बोला जाता है नहीं 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 थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम बोला है जब आप वॉल्यूम की बात करते हैं तो ये होमोजीनियस की बात होती है जब आप बोला जाए कि थ्रू आउट इन ऑल डायरेक्शन जब डायरेक्शन की बात हो फिर हमारा ऐसा होता है ठीक है ए तो ऑप्शन था गलती ना करें बी कैसे होगा यार बी कैसे होगा बताओ तो मुझे मुझे समझाओ तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रेक्टेंगुलर लेमिना ठीक है ना बताओ जरा इसका जवाब करो रेक्टेंगुलर ऑफ द लेमिनाथ बी एंड डेप्थ इज डी समर्ज वर्टिकली इन वाटर सच दैट अपर एज ऑफ लेमिना इज एट द डेप्थ एच फ्रॉम द फ्री सरफेस व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर द डेप्थ ऑफ द सेंट्रोइड जी डेप्थ ऑफ द सेंट्रोइड जी निकालो रेक्टेंगुलर लेमिना है तो रेक्टेंगल तो आपको बनाना आता ही है ये बना दो कुछ इस तरह से जवाब करते रहे हैं आप जिन लोग समझ गए गए पानी का सरफेस कुछ ऐसा होगा ये पानी का सरफेस तुम्हारा ये है बोल रहा है कि फ्री सरफेस से बोला गया ना अपर एज ऑफ द लेमिना इज द डेप्थ एच फ्रॉम फ्रॉम दी सरफेस ठीक है ना एच डेप्थ पर है इस रेक्टेंगुलर लेमिना का जो ब्रत है वो बी है डेप्थ जो है इसका डी है इसका डेप्थ को हम कह रहे हैं कि वो डी है इसका ब्रत जो है बी है ये भी आपको दे रखा है आपको क्या निकालना है सेंट्रोइड निकालना है वट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर द डेप्थ ऑफ देंट्रॉइड तो सेंट्रॉइड के लिए ये करोगे आप ये है सेंट्रॉयड ये डेप्थ आप बोल दोगे आराम से सर ये हो जाएगा क्योंकि ये डेप्थ आपको पता है कि डी बाई टू ही e होगी तो बोल दोगे आप सर एच प्लस डी बाई टू कर दो आराम से ये होगी सेंट्रोइड की डेप्थ एच प्लस डी बाई टू तो ट्वेंटी थ्री का सी ऑप्शन एग्जैक्टली सही हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब करें नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब करें जी ये बताओ आप रेक्टेंगुलर चैनल हैज अ डेप्थ रेक्टेंगुलर चैनल हैज अ डेप्थ ऑफ द एट मीटर विथ द विन मीटर कैल्कुलेट द हाइड्रोलिक चैनल हाइड्रोलिक पता होना चाहिए भाई ये क्वेश्चन मैंने कई बार आपको कढ़ा दिया है ना करें हाइड्रिक डेप ऑफ द चैनल हार्डोलिक डेप्त ऑफ द चैनल हाइडोलिक डेप्थ ऑफ दैनल फटाफट से जवाब करो जल्दी से क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर में वेरी गुड हार्डोलिक डॉप डी इज इक्वल टू जो आप जानते हैं वो होता है हमारा ए बाई टी क्या होता है ए बाई टी होता है होता है कि नहीं होता है ए का मतलब एरिया आपको निकालना आता ही है कैसे डेप्थ आपको दे रखा है ब्रथ भी आपको दे रखा है अपॉन टॉप रेक्टेंगल के केस में रेक्टेंगल चैनल आपको बोला है तो रेक्टेंगल केस में ये जो फ्री सरफेस है ये वाई हो जाता है ये बेस है बी और ये टॉप ब्रथ इसी के बराबर ही होता है रेक्टेंगल केस में जो आपका टॉप ब्रथ होता है ये ब्रथ के बराबर होता है और ब्रत आपको कितना दे रखा है दस मीटर दे रखा है तो दस रख दोगे तो यहां से आपको हाइड्रोलिक डप मिल गया एट मीटर तो मतलब कि कौन सा ऑप्शन हो गया ए ऑप्शन हो गया भाई ठीक है ए ऑप्शन हो गया ठीक है आगे चलते हैं अस्सी अपन सिक्सटीन माइनस फाइव पांच कैसे हार्ड्रोलिक डप बोला है ना ट्वेंटी फोर में एक ए होगा ना ए आठ मीटर हार्डोलिक डप दिखा नहीं था आपको यहां पर कट रहा था ना थोड़ा सा अभी तो सही है ना दिख रहा है ना बढ़िया से कोई दिक्कत आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब करो भाई इसको मैं हटा देता हूं लो लेसीमीटर एंड टेंसियोमीटर आर यूज टू मेजर द रिस्पेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ द क्वांटिटीज़ ग्रुप्स ऑफ द क्वांटिटीज हाँ सर मैं हाइड्रोलिक रेडियस निकाल दिया हाँ बिल्कुल सर मैंने एनडब्ल्यू डी ए का पेपर भेजा था करा दो चलो मैं करवा दूंगा उसका पीपीटी बना के करवा दूंगा ठीक है चलो

इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी इन्फिल्ट्रोमीटर ठीक है humidity, humidity, ना इन्फिलीट्रोमीटर है ही रेनफॉल सिमुलेटर भी कहते हैं इसको ह्यूमिडिटी हाइग्रोमीटर रिलेटिव ह्यूमिडिटी सैक्रोमीटर ठीक है ना नेक्स्ट आपका है विंड स्पीड ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है विंड स्पीड जो कि है एनोमोमीटर से ठीक है आगे बढ़ रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच वन ऑफ द फॉलोविंग स्ट्रेस विच वन ऑफ द फॉलोविंग स्ट्रेस कैन ऑल्सो बी नोन एज हुप स्ट्रेस हुप स्ट्रेस किसको कहा जाता है बताओ जी बताओ फटाफट से आपने अगर थिक सिलेंडर और थिक सियर, थिक सिलेंडर स्पेयर पढ़ा है थिक एंड थिन सिलेंडर वहां से क्वेश्चन है। एक्चुअली में क्या करते हैं ना हमारे पास जो सिलेंडर होता है सिलेंडर माना सपोज दैट एक पेज के एग्जांपल से मैं लेता हूं एक पेज के एग्जांपल से लेता हूं ये लो ये ये तुम्हारे पास कोई प्लेट है ये क्या है प्लेट है ये प्लेट है स्टील का प्लेट है सपोज दैट यहां तक दिख रहा है ना आपको स्टील का प्लेट है सपोज दैट तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों में क्या किया जाता है इसको एज अ बॉयलर के लिए गर्म पानी करने के लिए या और भी किसी पर्पज के लिए हम यूज कर सकते हैं सिलेंडर को तो ये प्लेट है स्टील का प्लेट है इसको हम क्या कर देंगे ऐसे मोड़ देंगे ऐसे मोड़ देंगे मोड़ देंगे मोड़ दिया ये इधर देखो मोड़ दिया और ये पार्ट ये देखो यहां पर हम ज्वाइंट कर देंगे वेल्डिंग भी कर सकते हैं यहां पर ही हमने ज्वाइन कर दिया कहने का मतलब मेरा यह है कहने का मतलब मेरा यह है कि पहले यह प्लेट था यह कुछ इस तरह का प्लेट था ऐसा ठीक है ये कुछ इस तरह का प्लेट था इसको मोड़ के हमने क्या बना दिया सिलेंडर बना दिया सिलेंडर को मैं लेटा देता हूं ये सिलेंडर को मैंने इसको गिरा दिया ऐसे मतलब इस तरह से तो ऑब्वियसली आप देख पा रहे हैं इसका थिकनेस भी होगा कुछ ना कुछ ये देखो आप थिकनेस देखो इसका मोटाई भी होगी कुछ ना कुछ डायमीटर अलग है ठीक है ना अलग अलग तो इसके डायमीटर है तो होता क्या है डी स्ट्रेन इसकी सरकम वाली डायरेक्शन में मतलब कि यहां पर इसको काटोगे तब दिखेगा आपको ये काटोगे जब इसको काट के देखोगे इसके सरकमफरेंशियल डायरेक्शन में एक स्ट्रेस लगता है जो हुप स्ट्रेस है हुप स्ट्रेस का मतलब है कि जो आपका अंदर से जो फ्लूड प्रेशर लगा क्योंकि इसके अंदर फ्लूड होगा उसके अंदर जो फ्लूड प्रेशर लगाएगा उसको बताता है सिग्मा एच इसी को हम सरकम स्ट्रेस भी कहते हैं क्या कहते हैं सरकम स्ट्रेस कि कि वो सर्कम फ्रेंस में लग रहा है और जो आपकी लेंथ के अलोंग डायरेक्शन में लगेगा इसको बोलते हैं सिग्मा लॉन्ग टूनल डायरेक्शन लेंथ के अलोंग ठीक है तो याद रखना इन चीजों को अगर इसको हॉट डेफ पर आप समझना चाहते हैं इसकी पूरी कहानी को समझना चाहते हैं सोम का लेक्चर देखेगा आप यूट्यूब में है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक है आराम से समझ आएगा वेरी गुड नेक्स्ट करते हैं अमोंग द फॉलोइंग विथ टर्बाइन रिक्वायर्ड मोर हेड मोर हेड बोलो सरकम hmm. प्रेंसल बोलो जल्दी से जवाब करें अमोंग फॉलोइंग विच टर्बाइन रिक्वायर द मोर हेड कैपलन टर्बाइन फ्रांसिस टर्बाइन ट्यूब टर्बाइन और पेल्टन टर्बाइन सबसे ज्यादा हेड किसमें चाहिए होता है आप जवाब करोगे गलत आपने कर दिया गलत ठीक है ना गलत कर दिया किसने किया था प्रेरणा जी गलत हो गया आंसर वेरी गुड जवाब आता है सही राधे जी का किशोर सिंह वेरी गुड तो पेल्टन टर्बाइन में सबसे ज्यादा हेड चाहिए भाई हाई हेड टर्बाइन भी इसको इसको बोला बोला जाता जाता है है आपको शायद पता भी हो होता हैड टर्बाइन वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं इज एफिशियंसीड विद अ चैनल मतलब कि कौन सा चैनल है जिसमें सबसे ज्यादा एफिशियंसी देखने को मिलती है चलो बताओ किसमें सबसे ज्यादा एफिसियंसी देखने को मिलती है बताओ है फिशियंसी इज ऑप्टेंड विद चैनल ऑफ सर्कुलर स्क्वायर ट्रेपोजल रेक्टेंगल सबसे ज्यादा जो एफिशियंसी देखने को मिलता है वो है रेक्टेंगुलर या ट्रेपोज्वाइडल जवाब करें वेरी गुड तो यह है जी ट्रापोजल चैनल कौन सा है हा ट्रेपोज्वाइडल नेक्स्ट क्वेश्चन है रेसिप प्रोकेटिंग पंप हाई डिस्चार्ज लो हेड लो डिस्चार्ज लो हेड देखिएगा रेसिप्रोकेटिंग पंप ठीक है ना इसमें हेड तो ज्यादा होगा लेकिन डिस्चार्ज कम होता है हम्म सही बात है सबको पता है नहीं 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 डी नहीं होगा जी डी बोल रहे हैं डायनेमो। हेड बहुत ज्यादा होता है तो मतलब कि कौन सा हो जाएगा अच्छा डी हो रहा है भाई ठीक है सही बात है डिस्चार्ज है और हाई हेड है सही है भाई सी डी है करंट मीटर जानते हो इसके बारे में नहीं सर नहीं जानते इसका पूरा सेंटेंस मैं आपको पढ़ दे रहा हूं करंट मीटर मेजर द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इफ इट इज हेल्ड इफ इट इज हेल्ड ए बी सी डी जवाब करो एट द बॉटम सरफेस ऑफ चैनल एट द सर्फिस ऑफ चैनल एट द सेंट्रइ ऑफ द चैनल सेक्शन और एट द एनी सेक्शन पंप यूज एट द होम आर सेंट व्यूवल पंप ठीक है जो करंट मीटर है आप कहीं पर भी क्रॉस सेक्शन पे ओपन चैनल जो होता है उसके किसी भी क्रॉस सेक्शन पर आप लगाएं तो यूज कर पाएंगे आप ठीक है हाँ वेरी गुड तो नेक्स्ट आपका नॉन टेक पार्ट चलेगा भाई ठीक है यहां पर टेक्निकल पार्ट होता है समाप्त नेक्स्ट क्लास में आप मिलेंगे आप टेक्निकल के साथ प्लस नॉन टेक के साथ अभी आपका नॉन टेक शुरू होगा अब राजस्थान का ठीक है चलो बहुत बढ़िया Huh? <coughs> eh? No. No. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स भाई डी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का दोबारा से स्वागत है भाई सभी स्टूडेंट्स एक बार शेयर कर दें क्लास को सभी लोग शेयर करते हुए चलें। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन चलिए तो सभी स्टूडेंट्स एक बार लाइव बन जाए उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास तो देखिए आप लोगों को पता है कि राजस्थान जीके की आप लोगों की क्लास है तो सभी स्टूडेंट्स एक बार लाइव बन जाएं उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन देखिए इसमें हम लोग राजस्थान जीके को कवर कर रहे हैं तो एक बार सभी लोग लाइव बन जाएं उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं तो देखो आप लोग देख पा रहे हैं कि अस्सी मार्क्स का आप लोगों का टेक्निकल है चालीस मार्क्स का आप लोगों का नॉन टेक्निकल है तो एक बार सभी लोग लाइव बन जाएं उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स एक बार लाइव बन जाए इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते सभी लोगों को गुड मॉर्निंग भाई सभी लोगों को सुप्रभात स्टार्ट कर दें आज के सेशन को तो देखो आप लोगों को विजिबल हो रही है ना पीपीटी अच्छे से चले भाई तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग चलते हैं वैसे तो मार्किंग ट्वेंटी सेवन है इस क्वेश्चन को आंसर करके बताओ कि हरा संगन मरमर की उत्पादन से संबंधित स्थान है तो आप लोगों के अकॉर्डिंग आंसर क्या जाना चाहिए जब हम लोग ग्रीन मार्बल की बात कर रहे हैं सभी लोग रिस्पॉन्स करें इस क्वेश्चन का बताएं ग्रीन मार्बल से आपके पास कौन सा ऐसा स्थान है जो कि ग्रीन मार्बल से आप लोगों का तो बताएं कि ग्रीन मार्बल के उत्पादन से संबंधित स्थान कौन सा है सभी लोग रिस्पॉन्स करें इस क्वेश्चन का आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या आंसर जाना चाहिए बताएं आंसर्स क्या जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर्स को मार्क करेंगे आप लोग देखिए आप लोगों से बोला गया है कि हरा संगन मरमर हरा संगन मरमर के उत्पादन से कौन सा संबंधित स्थान है अब एक एक क्वेश्चन का आंसर्स करेंगे आप लोग और लास्ट में मुझे आप लोग जरूर बताएंगे कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लोगों ने ठीक करे क्योंकि देखो आप लोगों को पता है कि टेक्निकल अगर अस्सी मार्क्स का आ रहा है तो नॉन टेक राजस्थान जी के चालीस मार्क्स का आ रहा है हम लोगों ने चालीस मार्क्स को भी बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके चलना है तो बताएं कि हरा संगर मरमर के उत्पादन से संबंधित स्थान में आपका आंसर क्या जाएगा देखो अगर हम लोग इस क्वेश्चन की बात करते हैं हरा संगन मरमर के उत्पादन से संबंधित स्थान में तो आपका आंसर जाएगा बाबरमल उदयपुर राइट right आंसर जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए के साथ तो देखिए यार अगर आप लोगों से बोला जाए ग्रीन मार्बल के लिए उत्पादन से संबंधित स्थान कौन सा है तो बाबरमल आप लोगों का उदयपुर में नजर आता है और जितने क्वेश्चंस आप लोगों के यहाँ पे हैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपसे पूछे गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इस क्वेश्चन को आंसर्स करके बताएं राज्य की द्वितीय खनिज नीति की घोषणा की गई है आंसर्स करके बताओ कि द्वितीय खनिज नीति की घोषणा कौन से ईयर में आप लोगों की गई है आंसर्स क्या होना चाहिए बताएं खनिज नीति की घोषणा पूछा गया है भाई सभी लोग बहुत अच्छे रिस्पॉन्स के साथ वेरी गुड आप लोगों ने कोशिश करनी है कि एक एक क्वेश्चन आप लोगों का करेक्ट हो और जहाँ पे भी आप लोग रॉन्ग करें उसको आप लोगों ने भी याद कर लेना है इस क्वेश्चन का आंसर करके बताएं कि द्वितीय खनिज नीति की घोषणा की गई बताएं कहा की गई आप लोगों का कौन सा मंथ आप लोगों का यहाँ पे आंसर जाएगा और कौन सा ईयर आप लोगों का यहाँ पे आंसर जाएगा सभी लोग रिस्पॉन्स करें भाई इस क्वेश्चन का बी आंसर्स करें ट्वेंटी एट का देखो वैसे तो ये डेट है जनरली याद नहीं रहती है लेकिन जब आज आप लोग इसको देख रहे हैं तो आपको याद हो जानी चाहिए तो देखो 28 की अगर हम बात करें तो 28 का जो करेक्ट आंसर जा रहा है द्वितीय खनिज निधि की घोषणा इसका आंसर आप लोगों का जा रहा है अगस्त नाइनटीन ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का करेक्ट आंसर तो देखो अगर हम हरा संगर मरमर के उत्पादन से संबंधित स्थान की बात करें तो बाबरमल उदयपुर आपका नजर आएगा राज्य की द्वितीय खनिज नीति की घोषणा की अगर बात करते हैं तो अगस्त 1994 समझ पा रहे हैं बहुत अच्छे भाई ब्लैक स्क्रीन हो गई देखो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी अभी स्क्रीन आप लोगों की टेंशन ना ले बिल्कुल तो देखिए अगर हम द्वितीय खनिज नीति की घोषणा की बात करते हैं तो अगस्त नाइनटीन आप लोगों का आंसर जाएगा आगे चलते हैं हम लोग देखो अब आपके पास कुछ थ्योरी की चीजें हैं जो कि आपसे जनरली क्वेश्चन में पूछी जाती हैं देखिए अगर हम बेंटोनाइट की बात करते हैं तो बेंटोनाइट एक तरीके का चीनी मिट्टी के बर्तनों को पॉलिश करने के लिए हम लोग बेसिकली बेंटोनाइट को यूज करते हैं जैसे कि आपके कॉस्मेटिक्स हो गए और वनस्पति तेलों को साफ करने में हम लोग बेसिकली बेंटोनाइट को यूज करते हैं अब बेंटोनाइट आप लोगों को जनरली कहाँ कहाँ भी नजर आता है भाई बाड़मेर में आप लोगों को नजर आता है बीकानेर में नजर आता है और माधोपुर में नजर आता है नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आंसर्स करेंगे आप लोग आंसर्स करने से पहले कुछ थ्योरी का पोर्शन अगर फ्लोराइट या फेट्स तो फ्लोराइट और फेट्स पार जनरली चीनी मिट्टी के बर्तनों में यूज होता है सफेद सीमेंट लो लो और अम्ल उद्योगों में काम आता है अभ्रक के साथ सह उत्पाद के रूप में निकलता है और अगर हम बात करें डूंगरपुर की अगर हम बात करें यहाँ पे मांडो की पाल काहिला जालोर सीकर सिरोही अजमेर इन सब में आपको फ्लोराइड नजर आता है बहुत अच्छे भाई सभी लोग बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स के साथ आप लोग तो ये सारी थ्योरी के पार्ट्स हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए पन्ना देखो पन्ना आप इसे हरी अग्री कहें मरकत कहें एमरड कहें। जनरली ये आप लोगों को उदयपुर में नजर आता है राजसमंद में नजर आता है अजमेर में, में नजर आता है आपको पन्ना राइट right? इसी तरीके से अगर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं तो क्वेश्चन आपके सामने है कि बाड़मेर जिले में लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत परियोजना का स्थान है तो बाड़मेर जिले में लिग्नाइट ताप विद्युत परियोजना है इसका स्थान आप लोगों से बोला गया है कि बाड़मेर जिले में कौन सा स्थान आप लोगों को नजर आता है तो आंसूतरा को आंसर करोगे कपूरडी को आंसर करोगे सी ऑप्शन को मार्क करोगे या डी के साथ आंसिश करें भाई सभी लोग सभी स्टूडेंट्स आंसर्स करें सभी लोग अपनी प्रेजेंस को जरूर मार्क करें आप लोगों ने वीडियो को लाइक जरूर करना है और इस क्वेश्चन का आंसर्स करके बताना है बताएं कि लिग्नाइट पर आधारित जो ताप विद्युत परियोजना है उसका स्थान आपको बाड़मेर जिले में कौन सा ऐसा स्थान है जो कि ताप विद्युत परियोजना का स्थान है ट्वेंटी नाइन क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या आंसर जाएगा ट्वेंटी नाइन का आंसर आप लोग कर रहे हैं ए तरह, देखो भाई लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत परियोजना का स्थान है कपूरड़ी क्या है आप लोगों का कपूरड़ी तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा बताओ कपूरड़ी तो ध्यान रखेंगे अगर हम बाड़मेर जिले पर लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत परियोजना की बात करते हैं तो कपूरड़ी स्थान आप लोगों को नजर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नागौर जिले में डेगाना भागरी निम्न खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया है कि डेगाना की खान आप लोगों को कौन से डिस्ट्रिक्ट में नजर आती है राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपको डेगाना की खान नजर आती है तो आपका आंसर जाता है नागौर जिले में जब क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि नागौर जिले में डेगाना भागरी निम्न खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है बताओ कौन से खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है रेस्पॉन्स करें भाई सभी लोग सभी लोग आंसर करें सभी स्टूडेंट्स अपनी प्रेजेंस को जरूर मार्क करें आप लोगों के अकॉर्डिंग बताएं नागौर जिले में ये तो पता लग गया कि डेगाना आप लोगों को नजर आता है डेगाने की खान अगर कहें तो नागौर में लेकिन ये किस चीज के लिए फेमस है घिया पत्थर के लिए जिप्सम के लिए टंगस्टन के लिए या तांबे के लिए आप लोगों के अकॉर्डिंग आंसर्स क्या जाएगा आज अच्छे हैं क्वेश्चन बिल्कुल भाई देखो धीरे धीरे करके सब अच्छे क्वेश्चन आपको नजर आएंगे लेकिन क्लास तो शेयर करो देखो आप लोग दस ग्यारह स्टूडेंट्स हैं कैसे काम चलेगा बताओ बहुत अच्छे टंगस्टन राइट आंसर जाएगा सी ऑप्शन के साथ वेरी गुड तो देखो लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत परियोजना का स्थान है कपूरडी राइट right? इसके बाद अगर डेगाना की खान पूछा जाता है तो नागौर और कौन सा खनिज उत्पादन टंगस्टन ध्यान रखेंगे टंगस्टन में भी हमारे राजस्थान का एकाधिकार है जब एकाधिकार की बात करते हैं इसका मतलब कि सबसे ज्यादा उत्पादन हमारे राजस्थान में ही होता है तो राइट आंसर सी ऑप्शन के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आंसर मार्क करो राज्य में जिप्सम का सबसे अधिक खनन किस क्षेत्र में होता है मैंने आपको पहले भी बताया है अगर हम राजस्थान के भौतिक स्वरूप की बात करते हैं तो पूरे राजस्थान के माप को चार भागों में बांटा जाता है जब हम राजस्थान के भौतिक स्वरूप की बात करते हैं और हम राजस्थान को चार भागों में डिवाइड करते हैं जिसमें हमारा पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश अरावली पर्वती प्रदेश आपको नजर आता है पूर्वी मैदानी प्रदेश आपको नजर आता है हाड़ौती का पठार आप लोगों को नजर आता है तो ओवरऑल अगर हम राजस्थान के भौतिक भागों की डिवाइड करने की बात करते हैं तो चार भागों में हम लोग डिवाइड करते हैं जब आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि जिप्सम का सबसे अधिक खनन के क्षेत्र में होता है तो आप लोगों के अकॉर्डिंग आंसर्स क्या जाएगा थर्टी थ्री का आंसर्स करें भाई सभी लोग बहुत अच्छे भाई सभी स्टूडेंट्स अपनी प्रेजेंस को जरूर मार्क करें वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें तो देखो अगर हम जिप्सम के सबसे अधिक खनन क्षेत्र की बात करते हैं तो हमारा आंसर जाएगा थर्टी थ्री का पश्चिमी मरुस्थल तो ध्यान रखेंगे थर्टी थ्री का आंसर ऑप्शन नंबर बी जाएगा पश्चिमी मरुस्थल में आपके जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है राइट आंसर बी ऑप्शन के साथ इस क्वेश्चन को आंसर करो कि खनिजों के संदर्भ में राजस्थान को क्या कहा जाता है आपको पता है कि राजस्थान खनिजों में बहुत ही संपन्न राज्य है जब ये संपन्न राज्य है तो इसे किस नाम से जाना जाता है अजायब घर खनिज संग्रहालय खनिज घर खनिजों की खान आंसर करो इस क्वेश्चन का बहुत अच्छे भाई सभी लोग राहुल जी सत्यम यादव जी प्रेरणा जी वेरी गुड भाई क्लास में कम स्टूडेंट जरूर प्रेजेंट हैं लेकिन सभी लोग बहुत शानदार रिस्पॉन्स कर रहे हैं वेरी नाइस nice. इस क्वेश्चन का आंसर करके बताओ खनिजों के संदर्भ में राजस्थान को कहा जाता है क्या कहा जाता है आंसर करो अजायब घर देखो प्रेरणा जी का सबसे पहले आंसर आ रहा है अजायब घर वेरी गुड अब देखो जब हम खनिजों के संदर्भ में राजस्थान को अजायब घर नाम से जान रहे हैं अजायब घर की मीनिंग क्या होती है कि राजस्थान में खनिजों में डिफरेंट डिफरेंट वेरायटीज आपको मिलती है अगर हम बात करें विविधता की आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के खनिज मिलते हैं इसीलिए इनको खनिजों के संदर्भ में राजस्थान को अजायब घर के नाम से जाना जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले देखो कुछ इंपॉर्टेंट राजस्थान में जो सर्वाधिक उपलब्ध खनिज है वो रॉक फॉस्फेट है प्रीवियस दो तीन दिन पहले ये क्वेश्चन हमारे पास आया था कि राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज कौन सा है रॉक है। राजस्थान जापर बोलेस्टोनाइट एंड गार्नेट का समस्त उत्पादन में एकमात्र राज्य है मतलब कि एक राजस्थानी है जिसमें ये चीजें का उत्पादन किया जाता है सीसा जस्ता जिप्सम चांदी संगर मरमर एसबेस्टोज रॉक फॉस्फेट, तांबड़ा पन्ना जासपर फायर कैडमियम में राजस्थान का एकाधिकार है जब हम लोग इसमें कह रहे हैं ना कि हमारे राजस्थान का एकाधिकार है तो एकाधिकार का मतलब है कि सबसे ज्यादा उत्पादन हमारे राजस्थान में होता है इसी तरीके से चूना पत्थर टंगस्टन, अभ्रक तांबा फेड्स पार इमारती पत्थर में राजस्थान का भारत में महत्वपूर्ण स्थान है भारत में महत्वपूर्ण स्थान है मतलब कि अच्छा खासा उत्पादन होता है रैंक भी अच्छी है लेकिन फर्स्ट नंबर पे नहीं है फर्स्ट नंबर पे सीसा जस्ता जिप्सम चांदी इन सब में प्रथम स्थान रखता है आगे अगर हम चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने नगाड़ा बाड़मेर गांव का संबंध किससे है जब हम बाड़मेर की बात करते हैं तो बाड़मेर में एक गांव आपको नजर आता है जिसे नगाड़ा कहते हैं और जब बाड़मेर में नगाड़ा गांव आप लोगों का नजर आता है तो इसका संबंध किससे है आंसर्स करके बताएं मेरे इस क्वेश्चन का सभी लोग आंसर्स करें भाई आप लोग आंसर्स भी करो भाई और क्लास को भी शेयर करो नौ दस स्टूडेंट्स में देखो कैसे क्लास कराई जाएगी आप लोगों को बताओ बताएं इस क्वेश्चन का क्या होगा बाड़मेर में नगाड़ा गांव आप लोगों को नजर आता है इसका संबंध किससे है प्राकृतिक गैस की खोज हुई है क्या यहाँ पे या स्टील ग्रेड चूने के पत्थरों के भंडार मिले हैं आपको खनिज तेल मिले हैं या पवन ऊर्जा मिली है भाई पवन ऊर्जा के लिए सबसे फेमस डिस्ट्रिक्ट जो हमारे पास है वो है जैसलमेर जैसलमेर में अगर हम विंड की स्पीड ही गए तो विंड की स्पीड ही थर्टी टू किलोमीटर पर आर की स्पीड रहती है तो सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा का जो उत्पादन है हमारे राजस्थान में जैसलमेर में होता है इस क्वेश्चन को आंसर्स करके बताएं सभी लोग बी आंसर्स करें स्टील ग्रेड के चूने के पत्थर के भंडार मिले हैं कह रहे हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया किसी का सही आंसर्स नहीं आ रहा स कर रहे हो आप लोग स्टील ग्रेड के छूने के भंडार मिले हैं नगाड़ा बाड़मेर में ऐसा नहीं है भाई आपने सुना होगा ऐश्वर्या ये सारे क्या हैं तेल के कुएं हैं थर्टी तो फाइव का आंसर क्या जाएगा खनिज तेल ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का करेक्ट आंसर बाड़मेर में नगाड़ा गांव आप लोगों को नजर आता है इसका संबंध खनिज तेल से है राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड आरएस जी एल की स्थापना की गई बताओ कौन से ईयर में की गई कौन सी डेट में की गई आप लोगों के अकॉर्डिंग आंसर क्या जाएगा इस क्वेश्चन का करे भी आंसर करके बताओ थर्टी सिक्स का आंसर क्या जाएगा राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड की स्थापना की गई कब की गई थर्टी सिक्स का रिस्पॉन्स करें 36 की अगर हम बात करें तो राइट right आंसर आप लोगों का बी ऑप्शन के साथ जाएगा 20 सितंबर 2013। देखो पहले नगाड़ा बाड़मेर गांव का संबंध अगर आप लोगों से बोला जाए तो खनिज तेल से है राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड की स्थापना की गई 20 सितंबर 2013 को की गई आगे चलते है हम लोग 37 के साथ इस क्वेश्चन को आंसर करो राज्य में विश्व प्रसिद्ध तामड़ा उत्पादन स्थान स्थित है बताए तामड़े का उत्पादन कहाँ पे होता है सबसे ज्यादा देखिए भाई सभी लोग रिस्पॉन्स करें इस क्वेश्चन का आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या आंसर जाना चाहिए सभी लोग रिस्पॉन्स करें आंसर्स कहें भाई इस क्वेश्चन का आंसर्स क्या जाएगा आंसर्स कह के, के बताए भाई सभी लोग आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या आंसर जाएगा तामड़ा का उत्पादन बोला गया भी, आप लोगों के अकॉर्डिंग होना चाहिए मैं आप लोगों की कमेंट्स देख पा रही हूँ थर्टी सेवन को करके थर्टी सेवन का आंसर्स क्या जाएगा बताओ भाई प्रेरणा जी का आंसर आ रहा है ऑप्शन बहुत अच्छे तामड़ा उत्पादन स्थान में स्थित है आपका राजमहल सरवाड़ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर थर्टी सेवन का ऑप्शन करेक्ट ये बताओ निम्न ने में से कौन असंगत है असंगत का मतलब है कि कौन सा आपका सही मिलान नहीं है कोटा स्टोन आपको कोटा में मिलता है येलो लाइम स्टोन आपको जैसलमेर में मिलता है का, कोटा स्टोन देखो कोटा में आप लोगों से बोला गया है येलो लाइम स्टोन जैसलमेर में बोला गया है फ्लैंगी लाइम स्टोन आप लोगों का रामगंज मंडी कोटा में बोला गया है बॉल क्ले आपका सीकर में बोला गया है तो आंसर करके बताओ कि कौन सा यहाँ पे असंगत है सभी लोग रिस्पॉन्स करें भाई इस क्वेश्चन का आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या आंसर जाना चाहिए बताएं चलिए तो सभी लोग रिस्पॉन्स करें इस क्वेश्चन का थर्टी एट का आंसर क्या जाएगा थर्टी एट का डी सी या डी में से देखो भाई अगर हम बात करते हैं यहाँ पे थर्टी एट में तो सारे के सारे आप लोगों के सही हैं बॉल के लिए आपका सी कर ये आप लोगों का रॉन्ग है राइट आंसर डी ऑप्शन के साथ जाएगा ध्यान रखेंगे अगर हम तामड़ा उत्पादन की बात करते हैं तो राजमहल सरवाड़ में आपको नजर आता है आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आंसर्स को मार्क करो देखो आप लोगों से बोला गया केवलिन का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है कि केवलिन का सबसे ज्यादा उत्पादक कौन से राज्य में होता है क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है गुजरात राजस्थान झारखंड पश्चिम बंगाल आप लोगों के अकॉर्डिंग आंसर्स क्या जाएगा सभी लोग रिस्पॉन्स करें भाई सभी स्टूडेंट्स अपनी प्रेजेंस को जरूर मार्क करें वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें आप लोगों के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा केवलिन का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है मतलब जहां पे सबसे ज्यादा उत्पादन होता है थर्टी नाइन को आंसर करके बताओ भाई सभी लो. लोग आप लोगों के अकॉर्डिंग आंसर क्या होना चाहिए थर्टी नाइन क्वेश्चन का राजस्थान श्योर थर्टी नाइन मतलब आप ये सोच रहे हो कि अगर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है तो हमारा गलत कैसे हो सकता है जब राजस्थान की के पढ़ रहे हैं तो राजस्थान ही आंसर जाएगा बताओ भाई थर्टी नाइन का आंसर क्या होगा केवलिन का सर्वाधिक उत्पादक राज्य और फोर्टी क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एसबेस्टोस के भंडार राजस्थान के किस हिस्से में मुख्यतः केंद्रित है सभी लोग रिस्पॉन्स करें भाई आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या आंसर जाना चाहिए इस क्वेश्चन का भाई ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क हैं मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोग क्या आंसर्स करते हो वैसे आप लोग क्लास में इतने कम प्रेजेंट हो भाई बहुत दिनों बाद छह क्लास होगी छठी क्लास में मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क हैं आप लोग ऑफलाइन में कमेंट्स करके बताएंगे और मैं आपके कमेंट चेक करूंगी आगे चलते हैं देखो अगर हम बात करते हैं एस्बेस्टोस की तो देश का नाइन्टी प्रतिशत राजस्थान में ही मिलता है एस्बेस्टोस इसे रॉक वुल और मिनरल सिल्क भी कहते हैं या सीमेंट की चादरें पाइप टाइल्स बॉयलर्स निर्माण में बॉइलर्स निर्माण में काम करता है राजस्थान में एम्फी वॉल भी किस्म आती है अगर आपसे बोला जाता है कि एसबेस्टोस का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में होता है कौन से जिले में होता है तो उदयपुर में सबसे ज्यादा इसका उत्पादन होता है और उदयपुर में भी जगह बोल दिया जाए तो ऋषभ देव खैरवाड़ा और सल्मर में होता है राजसंबंध में अगर आपसे बोला जाए तो नाथ द्वारा में और अगर हम डूंगरपुर में बात करें तो पीपरादा देवल बेमारू जकोल में आप लोगों को इसका उत्पादन नजर आता है इसी तरीके से एक है ब्लूस्टोनाइट भाई खनन में राजस्थान बहुत आगे है तभी तो उसे अजायब घर की श्रेणी दी है अजायब घर की मीनिंग ही है कि राजस्थान में डिफरेंट डिफरेंट डिफरें वेराइटीज के खनिज मिलते हैं पूरे इंडिया में अगर हम खनिज के उत्पादन की बात करें तो सबसे ज्यादा वेरायटीज हमें हमारे राजस्थान में ही मिलती है जब ब्लूस्टोनाइट की बात करते हैं तो इसका खनन केवल राजस्थान में ही होता है पेंट कागज व सिरेमिक उद्योग में काम आता है सिरोही में बात करें तो खिला बेट का अजमेर में हम बात करें तो रूपनगढ़ और पीसा गांव उदयपुर में बात करते हैं खेड़ा सायरा डूंगरपुर में बात करते हैं बोडकिया राइट इसी तरीके से देखो आप लोग देख भी सकते हैं यहाँ पे देखो इस मैप में मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी इंपॉर्टेंट चीज है देखो देखो अगर हम जिप्सम की बात करते हैं अगर ये राजस्थान का पूरा मैप है तो देखो जिप्सम बेसिकली इन डिस्ट्रिक्ट्स में देखने को मिलता है देखो गंगानगर हनुमानगढ़ बीकानेर में डार्क ब्लू से आपका है यहाँ पे जिप्सम का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है जब रॉक फॉस्पेट की बात करें ना तो देखो ये ग्रीन कलर का है जनरली रॉक फॉस्पेट का उत्पादन उदयपुर में नजर आता है देखो जो स्काई ब्लू से नजर आ रहा है लाइम स्टोन इसका मतलब ये जैसलमेर और जोधपुर वाला जो इलाका है यहां पे बेसिकली लाइम स्टोन का उत्पादन होता है फिर आप देख रहे हो ब्राउन कलर का लिग्नाइट मतलब कि नागौर और बाड़मेर में लिग्नाइट का उत्पादन होता है राइट तो इस तरीके से आपने ध्यान रखना है और देखो ये जो पिंकिश कलर का दिख रहा है आप लोगों को जालोर डूंगरपुर यहाँ पे आप लोगों को फेट्स नजर आता है राइट चलिए आगे चलते हैं देखो अब बात आती है सीसा जस्ता बहुत ही इंपॉर्टेंट तो देखो इनको कम से कम थ्योरी का भी थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको होना चाहिए जिससे कि आप एग्जाम में कर पाओ सीसा जस्ता को हम जुड़वा खनिज के नाम से जाने जाते हैं मतलब कि एक साथ निकाला जाता है सीसा जस्ता तो सीसा एवं जस्ता मिश्रित अयस्क गैलेना से निकलते हैं इसके अलावा कैरेमिन जिंकाइट विलमाइट इसके मुख्य अयस्क होते हैं उदयपुर में जो जावर की खान है जो कि सबसे बड़ी खान है वो सीसा जस्ता और चांदी की देश की सबसे बड़ी खान है ध्यान रखेंगे हमारे पूरे देश में जो सबसे बड़ी खान है सीसा जस्ता और चांदी की वो जावर की खान है और जावर की खान कहाँ पे देखने को मिलती है उदयपुर में देखने को मिलती है ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है भाई क्वेश्चन ऐसे पूछे या ऐसे पूछे घुमा के बाद एक ही है लेकिन पता जब होगा तभी आंसर हो पाएगा तो जावर की खान सीसा जस्ता चांदी के लिए तो फेमस है कहाँ पे नजर आती है उदयपुर में नजर आती है अन्य उत्पादक जिले भी हैं इसके भीलवाड़ा में रामपुरा आगुचा आपको नजर आता है राजसमंद में रजपुरा दरीबा नजर आता है सवाई माधोपुर में चैथ का बरवाड़ा नजर आता है इसी तरीके से देखो तांबे के उत्पादन में अगर हम कहें तो राजस्थान का झारखंड के बाद दूसरा स्थान है तांबे में झारखंड फर्स्ट नंबर पे राजस्थान सेकंड नंबर पे है और खेतड़ी जो कि सिंघाना जो कि आपको जुझुनू डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है यहाँ पे तांबे की तांबे की देश की सबसे बड़ी खान है भाई जो देश की है वो तो आपने भूलना नहीं है तो इसे इसीलिए खेतड़ी को ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है मतलब जूझनू को ताम नगरी के नाम से जाना जाता है जूझनू हो गया डिस्ट्रिक्ट और वहाँ पे जगह की बात करें तो खेतड़ी सिंघाना यहाँ पे देश की सबसे बड़ी खान आप लोगों को नजर आती है और यहाँ पे भारत सरकार का उपक्रम हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड भी स्थित है अन्य उत्पादक जिलों की बात करें तो भाई अलवर में खो दरीबा की खान है खो दरीबा बोला जाता है बहुत बार क्वेश्चंस पूछा जाता है कि खो दरीबा की खान हमारे राजस्थान के कौन से जिले में है इसी तरीके से सिरोही तांबे को गलाने पर जो उत्पाद के रूप में आपका एड होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त होता है जो कि सुपर फॉस्फेट के निर्माण में प्रयुक्त होता है ये बात आपने ध्यान रखनी है टंगस्टन देखो इंपॉर्टेंट टंगस्टन की बात करें तो वुलमाइट अयस्क से प्राप्त तो होता है टंगस्टन ध्यान रखेंगे टंगस्टन अयस्क से प्राप्त तो होता है नागौर में अगर हम बात करें तो डेगाना भागरी गांव आप लोगों का रहता है जहां पे टंगस्टन का उत्पादक नजर आता है अन्य उत्पादक जिले की बात करें तो बालदा आबू रोड आपको सिरोही में नजर आता है नाना कराब आपको पाली में नजर आता है सिरोही के बालदा में राजस्थान राज्य टंगस्टन विकास निगम द्वारा खनन का कार्य किया जाता है मैग्नीज की बात करते हैं तो साइलोमेलिन हो गया ब्रोनाइट हो गया पायरोलोसाइट हो गया ये मैग्नीश के मुख्य अयस्क हैं सर्वाधिक भंडारण वाला जिला मैग्नीश का बासवाड़ा है और अन्य उत्पादक जिले आपके सामने हैं। लो अयस्क की बात करते हैं तो अयस्क आपको हेमेटाइड मैग्नेटाइट लिमोनाइट ये मुख्य अयस्क आपको नजर आते हैं राजस्थान में आपको हेमेटाइट किस्म का लोहा मिलता है अन्य उत्पादक जिलों की बात करें तो उदयपुर दौसा अलवर झुंझुनू में देखने को मिलता है सर्वाधिक भंडारण वाला जिला बहुत बार पूछा जाता है मोरिजा बानोला की खान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोरिजा बानोला भाई यहाँ से एक पॉइंट निकल के आता है कि आपको पता होना चाहिए कि मोरीजा बानोला की खान सर्वाधिक भंडारण वाला जिला आप लोगों का जो कि आपको जयपुर डिस्ट्रिक्ट में नजर आता है ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है लो अस्क के लिए इसी तरीके से देखो अगर हम बात करते हैं रॉक फॉस्पिट की तो देश का 90 प्रतिशत जो रॉक फॉस्पिट है वो राजस्थान में मिलता है यह सुपर फॉस्पिट खाद व लवड़ी भूमि के उपचार में काम आता है उदयपुर में सर्वाधिक रॉक फॉस्पिट मिलता है इसको मैंने आपको मैप में भी दिखा दिया अब गलती होने के चांस नहीं होने चाहिए चूना पत्थर की बात करते हैं तो चूना पत्थर तीन प्रकार का होता है केमिकल ग्रेड स्टील ग्रेड और सीमेंट ग्रेड आपको पता होना चाहिए कि तीन टाइप का होता है उत्पादक जिले आपको पता होने चाहिए चूना पत्थर के लिए अगर बोला जाए कि सर्वाधिक लाइमस्टोन आपको कहाँ देखने को मिलता है तो सर्वाधिक आपको चित्तौड़गढ़ में देखने को मिलता है चित्तौड़गढ़ में भी भैसोरगढ़ में आपको सबसे ज्यादा चूना पत्थर देखने को मिलता है इसी तरीके से अभ्रक की बात करते हैं तो झारखंड आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान का अभ्रक में तीसरा स्थान है कौन सा स्थान है तीसरा और भीलवाड़ा में सर्वाधिक अभ्रक मिलता है अब बात आती है जिप्सम की तो जिप्सम को क्या कहते हैं देखो जिप्सम को सेलर वड़ी हर सोट और खड़िया मिट्टी भी कहते हैं जिप्सम का रविदार रूप सेलेनाइट कहलाता है और अगर बोला जाए कि जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादक वाला जिला तो फिर आपका आंसर जाएगा कि जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है नागौर में कहां पे होता है नागौर में राजस्थान में कोयले का सर्वाधिक भंडारण और उत्पादन में बाड़मेर का प्रथम स्थान है अगर हम कोयले का सर्वाधिक भंडारण करें और इसका उत्पादन अगर हम लोग करते हैं तो बाड़मेर हमारा प्रथम स्थान रखता है बाड़मेर में अगर हम बात करें तो कपूरड़ी हो गया आपका जलिया हो गया ये सारे स्थान आपके आते हैं आगे अगर हम बात करते हैं प्राकृतिक गैस में तो ध्यान रखेंगे राजस्थान का सबसे पहला भंडारण प्राकृतिक गैस नेचुरल गैसेस में जैसलमेर के घोटारू में मिलता है राइट तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपने एग्जाम के लिए याद रखने हैं खनिज तेल की बात करें तो खनिज तेल सेडिमेंट्री रॉक में मिलता है और बेसिकली पूरे राजस्थान में जो ये सेडिमेंट्री रॉक है वो आप लोगों को पश्चिमी मरुस्थल में देखने को मिलती है तो यहीं पे तेल के कुएं भी पाए जाते हैं इसीलिए पाए जाते हैं आगे अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन आपके सामने आंसर्स करें भाई सभी लोग वन बाय वन चले भाई आप लोग बहुत बोर हो गए थ्योरी से आप क्वेश्चन पे चलते हैं आंसर्स करो इस क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपकी बताएं आंसर क्या जाना चाहिए राजस्थान राज्य टंगस्टन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी आप लोगों के अकॉर्डिंग आंसर क्या जाएगा राजस्थान राज्य टंगस्टन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना सभी लोग रिस्पॉन्स करें भाई आप लोगों के अकॉर्डिंग लोग, क्या आंसर जाएगा बताए सभी लोग आंसर करें आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या आंसर जाना चाहिए चलिए भाई तो सभी लोग रिस्पॉन्स करें आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन का तो देखो अगर हम राजस्थान राज्य टंगस्ट विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की बात करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएं कि क्या ऑप्शन जा रहा आप लोगों का फर्स्ट की बात करते हैं तो राइट आंसर आप लोगों का जा रहा यहां से 2 मार्च उन्नीस राइट आंसर बी ऑप्शन के साथ बी सब लोग ए आंसर करें भाई फर्स्ट का करेक्ट कर लेना यहाँ पे जो आंसर्स आप लोगों का जा रहा है फर्स्ट का आंसर जा रहा है आप लोगों का डी ऑप्शन 22 नवंबर उन्नीस ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का करेक्ट आंसर है राइट right? इसी तरीके से देखो अगर आप लोगों से बोला जाता है सेकेंड क्वेश्चन के बारे में सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है देखो राजस्थान में खनिज विकास हेतु विजन 2020 नामक दीर्घकालीन योजना कब जारी की गई कि भाई खनिजों का विकास हो सके वैसे भी जब खनिज में हम लोग पूर्ण संपन्न राज्य हैं तो हम क्या चाहेंगे कि हमारा आगे और अच्छे से डेवलपमेंट हो पाए तो विज़न 2020 ये एक दीर्घकालीन योजना कब जारी करी गई खनिज के विकास हेतु आंसर करे भाई इस क्वेश्चन का एक्चुअली क्या देखो ये है आपके डेटाबेस क्वेश्चन डेट के अगर याद रहते हैं तो बढ़िया है अगर देखे हुए क्वेश्चन गए तो आप लोग ऑटोमेटिक आंसर्स कर लोगे सही लेकिन नहीं आए देखे हुए क्वेश्चन तो फिर कोई बड़ी बात नहीं है इन क्वेश्चन को स्किप करना सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा भाई इसका आंसर करेक्ट कर रहे उत्तम सिंह जी करेक्ट आंसर कर रहे हैं पन्द्रह अगस्त दो हजार पांच बहुत अच्छे तो ये जो विजन टू थाउजेंड ट्वेंटी की दीर्घकालीन योजना है ये पंद्रह अगस्त दो हजार पांच को जारी की गई राइट आंसर ए ऑप्शन के साथ तो देखो अगर हम खनिज संसाधन की बात करते हैं तो राजस्थान खनिज की दृष्टि से एक संपन्न राज्य है राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है राजस्थान में लगभग 67 खनिजों का खनन होता है जिसमें 44 में वो प्रधान है मतलब 44 में वो सरोपरि माना जाता है 23 लघु खनिजों का उत्पादन होता है देश के कुल खनिज उत्पादन में राजस्थान का 22 प्रतिशत योगदान है सोचो आप लोग राजस्थान में इतने सारे डिस्ट्रिक्ट है उसमें से अकेला राजस्थान 22 प्रतिशत खनिजों के उत्पादन में पूरी तरीके से हिस्सेदारी करता है खनिज भंडारों भंडार की अगर दृष्टि से बात करें तो झारखंड के बाद दूसरा स्थान है प्रथम स्थान झारखंड का है और दूसरा स्थान राजस्थान का है लेकिन अगर हम खनिजों में विविधता की बात करें कि वैरायटीज जो सबसे ज्यादा मिलती है उसमें हमारा राजस्थान प्रथम स्थान रखता है खनिज उत्पादन की दृष्टि से झारखंड मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान का तीसरा स्थान है भंडारण अलग चीज है उत्पादन अलग चीज है ठीक है मूल्यों की दृष्टि से अगर बात करें तो राजस्थान पांचवा स्थान रखता है और देश की सर्वाधिक खाने राजस्थान में ही है आगे चलते हैं। सर्वाधिक उपलब्ध खनिज अभी हमने पढ़ा रॉक फॉस्पीट है गार्नेट का समस्त उत्पादक एकमात्र राज्य है सीसा जस्ता में आपको पता है कि राजस्थान का एकाधिकार है चले भाई ये सारे पॉइंट्स तो हम लोगों ने पढ़ लिए है टंगस्टन मैंगनीस चूना पत्थर अभ्रक जिप्सम ठीक है अब देखो संगर मरमर की अगर बात की जाती है यहां से ये इंपॉर्टेंट है संगर मरमर बाकी पॉइंट्स तो हमने डिस्कस कर रखे हैं संगमरमर की बात करिए तो मार्बल राजस्थान का भारत में भारत का 95 फाइव प्रतिशत संगमरमर मिलता है मतलब कि अगर हम पूरे देश में बात करें तो पिचानबे प्रतिशत तो हमारे राजस्थान में ही मार्बल मिलता है समझ पा रहे हैं आप लोग देखो कितना ज्यादा मार्बल मिलता है संबर के, के खनन में मार्बल के खनन में राजसंबंध का प्रथम स्थान है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है मार्बल के रिस्पेक्ट में कौन सा प्रथम स्थान हमारा रखता है राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो प्रथम स्थान रखता है तो राज संबंध है ठीक है ये पॉइंट्स आपने ध्यान रखने हैं अगर हम आगे बात करते हैं तो देखो सफेद कलर का मार्बल की बात करें तो राज संबंध मकराना में नजर आता है हरा काला मार्बल की बात करते हैं तो डूंगरपुर कोटा में नजर आता है काले मार्बल की बात करते हैं तो भेसलाना में नजर आता है और लाल मार्बल की बात करते हैं तो धौलपुर में नजर आता है ये बात ध्यान रखनी है लोक खनिज की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है चौथा स्थान है राजस्थान में गुलाबी रंग का जो ग्रेनाइट कहाँ पर पाया जाता है जालोर में पाया जाता है हरी अगरी के नाम से जाना जाता है पन्ना राजस्थान में फेड्स पार के लिए आपका अजमेर जो कि ब्यावर यहाँ पे पड़ता है वहां पे आपका फेड्स पार्ट ज्यादा अधिक पाया जाता है और भीड़वाड़ा में आपका पाया जाता है सोना आपका बांसवाड़ा और डूंगरपुर में पाया जाता है हीरा आपका केसरपुरा चित्तौड़गढ़ में पाया जाता है जेम स्टोन औद्योगिकी पार आपका जयपुर में स्थित है सर्वाधिक औद्योगिकी की इकाइया आपके जयपुर में है शून्य उद्योग जहाँ पे कोई भी उद्योग नहीं है भाई वो है आपका जैसलमेर बाड़मेर चूरू सिरोही शून्य उद्योग क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऐसे कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे भाई कोई उद्योग नहीं है जिप्सम राजस्थान में सर्वाधिक नागौर में पाया जाता है आगे बात करें जिप्सम राजस्थान में नागौर में पाया जाता है चांदी की खान बोला जाए तो जावर की खान जो कि उदयपुर में देश की सबसे बड़ी खान है रामपुर आगुचा जो कि भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में नजर आती है ये सारे पॉइंट्स आपने ध्यान रखने हैं आगे चलें क्वेश्चन के साथ चलते हैं आंसर्स करें आप लोग भाई राहुल जी किरण चौधरी जी सभी लोग बहुत अच्छे रिस्पॉन्स के साथ मैम हमारे ही मैम तीन गोदान मार्बल के हैं अरे भाई बहुत ही शानदार बात है तो देखो आपको सारी चीजें लिंक हो रही हैं जो आप लोगों के पास है वही यहाँ पे खाने हैं भाई राजस्थान में मेन अगर हम उद्योगों की बात करें ना तो खनिज ही है ये मान के चलो आप इस क्वेश्चन को आंसर्स करके बताओ केरल की तटवर्ती रेत में पाए जाने वाला मोनोजाइड किसका अयस्क है तो केरल के तटवर्ती इलाकों में मोनोजाइट अयस्क पाया जाता है इसको हम कौन से अयस्क बोलते हैं यूरेनियम कैडमियम सोडियम थोरियम बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा कि केरल की तटवर्ती रेत में पाया जाने वाला मोनोजाइट किसका अयस्क है बताएं मोनोजाइट किसका अयस्क है आप लोगों के अकॉर्डिंग आंसर क्या जाना चाहिए भाई सभी लोग बहुत अच्छे रिस्पॉन्स के साथ सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक जरूर करें और इस क्वेश्चन का आंसर करके बताएं थर्ड क्वेश्चन का आंसर करके बताएं बहुत अच्छे थोरियम राइट right आंसर्स आपका डी ऑप्शन के साथ जाएगा तो केरल के तटवर्ती रेत में पाया जाने वाला जो मोनोजाइड है ये आपका थोरियम का अयस्क है नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से बाड़ेर में स्थित तेल क्षेत्र है अगर आपसे बोला जाता है कि बाड़मेर में ऐसे कौन कौन से इलाके हैं जहां पे आपके तेल क्षेत्र के नाम से विख्यात है तो आपका आंसर क्या जाएगा ऑब्वियसली सरस्वती रागेश्वरी कामेश्वरी ये सब आपके तेल क्षेत्र हैं। राइट आंसर डी ऑप्शन के साथ आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आंसर करो कि राजस्थान में वर्मी क्यूलाइट का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है उदयपुर अजमेर सिरोही डूंगरपुर आंसर करो इस क्वेश्चन का वर्मी क्यूलाइट का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया आंसर करके बताएं सभी लोग वही रिस्पॉन्स करें सभी स्टूडेंट्स अपनी प्रेजेंस को जरूर मार्क करें आप लोगों ने वीडियो को लाइक जरूर करना है और इस क्वेश्चन का आंसर करके बताना है आप बताएं आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या आंसर जाएगा बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए सभी लोग रिस्पॉन्स करें भाई कि वर्मिक्यूलाइट का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा डिस्ट्रिक्ट करता है सी, सी अब बताओ अभी हमने क्या पढ़ा शून्य उद्योग के जिलों में कौन शामिल था बताओ सिरोही शामिल था या नहीं था अजमेर भाई बहुत अच्छे उत्तम सिंह जी का यहाँ पे करेक्ट आंसर आ रहा है बहुत ही शानदार वर्मिक्यूलाइट का सर्वाधिक उत्पादन अजमेर में देखने को मिलता है राइट आंसर बी ऑप्शन के साथ नेक्स्ट वह खनिज जिसका मुख्यतः उपयोग विकिरणों से रक्षा के कार्य में आता है ऐसा कौन सा खनिज है जिसका उपयोग हम लोग विकिरणों की रक्षा में करते हैं क्या ये जस्ता है क्या ये सीसा है अब्रक है या यूरेनियम है छठे क्वेश्चन को आंसर्स करके बताएं भाई सभी लो. लोग आप लोगों के अकॉर्डिंग छठे क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा सभी लोग रिस्पॉन्स जरूर करें भाई छठे क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए देखो अगर हम बात करते हैं जिसका मुख्यतः उपयोग विकिरणों की रक्षा में किया जाता है आंसर आपका सीसा जाएगा ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का करेक्ट आंसर ध्यान रखेंगे वर्मीक्यूलाइट का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है अजमेर में होता है वह हो खनिज जिसका मुख्यतः उपयोग विकिरणों की रक्षा में किया जाता है तो सीसा होता है आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आंसर करें वनस्पति तेल व खनिज तेल को साफ करने में प्रयुक्त तो होने वाला खनिज वनस्पति तेल को हम साफ कर रहे हैं खनिज तेल को हम साफ कर रहे हैं हमारे पास ऐसा कौन सा खनिज है जो कि वनस्पति तेल व खनिज तेल को साफ करने में प्रयुक्त होता है क्वार्स बेंटोनाइट बेराइट कैल्साइट क्या आंसर होना चाहिए बताओ इस क्वेश्चन का सभी लोग रिस्पॉन्स करें भाई बहुत अच्छे राहुल जी उत्तम सिंह जी जी सभी लोग बहुत शानदार रिस्पॉन्स के साथ भाई वेरी गुड आप लोगों के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा सातवें क्वेश्चन को आंसर करके बताएं वनस्पति तेल और खनिज तेल को साफ करने में बताएं कि कौन सा खनिज प्रयुक्त होता है बिल्कुल तो होता है भाई राइट आंसर बी ऑप्शन के साथ तो जब भी हम वनस्पति तेल तेल और खनिज को साफ करने की बात करते हैं तो हमारे पास बेंटोनाइट खनिज निकल के आता है जब हम सीसा जस्ता के उत्पादन की बात करते हैं आपको पता है सीसा जस्ता दोनों आपके जुड़वा खनिज हैं। इसके उत्पादक में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ आंसर करो इस क्वेश्चन सभी लोग रिस्पॉन्स करें भाई आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या आंसर जाना चाहिए आप लोग आंसर मार्क करके बताएं कि क्या जाएगा आप लोगों के अकॉर्डिंग सीसा जस्ता के उत्पादक में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है बताए आठवें क्वेश्चन का आंसर बहुत बढ़िया सीसा जस्ता के उत्पादक में राजस्थान का प्रथम स्थान है ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का करेक्ट आंसर वनस्पति तेल और खनिज तेल को साफ करने में प्रयुक्त होने वाला खनिज बेंटोनाइट है सीसा जस्ता के उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट के साथ इसको आंसर करके बताओ कि राजस्थान में जासपर के भंडार कहाँ पे पाए जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है बासी बोरोदा क्षेत्र में किस खनिज के अथा भंडार उपलब्ध हैं सभी लोग रिस्पॉन्स करेंगे आंसर्स क्या होना चाहिए आप लोगों के अकॉर्डिंग सभी लोग बहुत अच्छे आंसर्स के साथ शानदार रिस्पॉन्स के साथ आप लोगों के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा बताएं बताएं भाई राजस्थान में जासपर के भंडार आपको कहाँ नजर आते हैं क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया उदयपुर कर रहे हैं नाइन क्वेश्चन का आंसर देख लो भाई सोच लो कि जाजपर के भंडार कहाँ पे पाए जाते हैं नाइन क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया देखो भाई अगर जासपर के भंडार आप लोगों से बोला जाए तो आंसर क्या होना चाहिए बताएं और ये बताओ कि बाशड़ी बोरौदा क्षेत्र में किस खनिज कथा भंडार मिलते हैं आप आंसर्स क्या कर रहे हो लिग के नाइन का बी आंसर्स हो कुछ कर रहे हैं उदयपुर कर रहे हैं कुछ देखो भाई ये दोनों क्वेश्चन भी आप लोगों के होमवर्क है बहुत ही डाउट डाउट में है आप लोग चार क्वेश्चन के आंसर्स करोगे आप लोग मुझे आज नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आंसर्स करके बताओ इलेवन क्वेश्चन का आंसर्स करें सभी लोग लाजवट पत्थर कहाँ मिला है पाली में मिला है सिरोही में मिला है बूदी में मिला है या बांसवाड़ा में मिला है क्या आंसर होना चाहिए और भाई जो ये बारवा क्वेश्चन है ना ये तो डायरेक्ट नमक की क्यारियों के पूर्वी किनारों पर जमने से बने नमक को कहा जाता है ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके राजस्थान जेई के जो छह दिसंबर को एग्जाम हुआ था डिग्री लेवल का जो कि फिर निरस्त हो गया वहां पर डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछा गया अब जब पढ़ोगे तभी तो आंसर्स कर पाओगे अदरवाइज तो फिर ए बी सी डी में से तुक्का मारोगे और तुक्का आपको पता है 99% गलत होता है इस क्वेश्चन को आंसर करो भाई। लाजवत पत्थर कहाँ मिला है आप लोगों को सभी लोग आंसर करें इस क्लास इस की पीडीएफ मिल सकती है बिल्कुल मिल सकती है भाई मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगी ठीक है चलिए आंसर करके बताएं कि लाजवत पत्थर कहा मिलता है सभी लोग रिस्पॉन्स करें इलेवन क्वेश्चन का देखो भाई अगर हम लाजपत पत्थर की बात करते हैं तो लाजपत पत्थर आपको सिरोही में मिलता है राइट आंसर बी ऑप्शन के साथ तो ध्यान रखेंगे लाजवत पत्थर कहाँ मिला है आप लोगों का सिरोही में मिला है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि नमक की क्या नमक की क्यारियों के पूर्वी किनारों पर जमने से बने नमक को कहा जाता है मतलब जनरली पूर्वी किनारियों पर क्या होती है नमक की क्यारिया नजर आती है इसे पान सॉल्ट कहते हो आर सॉल्ट कहते हो रेस्टा सॉल्ट कहते हो या उपयुक्त सभी आंसर्स मार्क करोगे इस क्वेश्चन का बताएं आंसर्स आप लोगों की नजर में करेक्ट आंसर्स है सभी लोग आंसर्स करके बताएं आज तो हवा में उड़ रहे हैं आप लोगों का बहुत ही शानदार भाई वेरी गुड मैम आज तो मोस्टली तुक्के लग रहे हैं आज अच्छे क्वेश्चन है ना तब तुक्के लग रहे हैं आप लोगों के करो मक की क्यारियों के पूर्वी किनारों पर बने नमक को क्या कहा जाता है भाई कहा जाता है रेस्टा सॉल्ट विंड बोन सॉल्ट कहा जाता है दोनों क्वेश्चन को अपने दिमाग में रख लो कि लाजवट पत्थर सिरोही डिस्ट्रिक्ट में मिलता है लाजवट पत्थर सिरोही डिस्ट्रिक्ट में मिलता है और नमक के क्यारियों के पूर्वी किनारों पर जमने से जो नमक आपका होता है उसे राजस्थान में रेस्टा सॉल्ट के नाम से जाना जाता है सी ऑप्शन आपका करेक्ट थर्टीन क्वेश्चन देखो राज्य में उत्तम किस्म का हेमेटाइट लो अयस्क पाया जाता है बताएं अगर हम हेमेटाइट लो अयस्क की बात करते हैं तो हमारे राज्य में उत्तम किस्म का हेमेटाइट लो अयस्क बताओ कहाँ पे प्राप्त होता है डाबला क्षेत्र में नीमला क्षेत्र में नाथरा की पाल में नीमा का थाना क्षेत्र में बताएं उत्तम किस्म का हेमेटाइट लो अयस्क पाया जाता है हेमेटाइट की अगर हम बात करें हेमेटाइट लो अयस्क की तो उत्तम किस्म का हेमेटाइट लो एस्क पाया जाता है आंसर करके बताओ इस क्वेश्चन का सभी so लोग रिस्पॉन्स करें भाई आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाना चाहिए सभी so लोग रिस्पॉन्स करें भाई आंसर क्या जाएगा इस क्वेश्चन का भाई थर्टीन क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो उत्तम किस्म का हेमेटाइट लो एस्क पाया जाता है निमला क्षेत्र में राइट आंसर आप लोगों का बी ऑप्शन के साथ जा रहा है तो ध्यान रखें कि हेमेटाइट लोअस्क की बात करते हैं तो उत्तम किस्म का जो हैमेटाइट लोअस्क है वो आपको निमला क्षेत्र में पाया जाता है नेक्स्ट देखो उत्तम श्रेणी का मैग्नेटाइट लो लोहा स्थित है बताए उत्तम श्रेणी का मैग्नेटाइट लोहा कहाँ पे स्थित है इंद्रगढ़ में स्थित है निमला क्षेत्र में स्थित है पादरा पाल व डॉग में स्थित है या नाथरा की पाल नाथरा की पाल कहाँ पे नजर आती है उदयपुर में नजर आती है तो बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा उत्तम श्रेणी का मैग्रेटाइट लोहा स्थित है अगर हम लोग कहें उच्च श्रेणी का मैग्रेटाइट लोहा आप लोगों के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए सभी लोग रिस्पॉन्स करें भाई फोर्टीन क्वेश्चन का फोर्टीन का डी होगा फिर अच्छा तुक क्या चल रहे हैं पूरी तरीके से भाई यस नाथरा की पाल उदयपुर राइट आंसर डी ऑप्शन के साथ आज का लास्ट क्वेश्चन आपके 15 और 16 फिर यहीं पे हम क्लास को ओवर करते हैं बताओ भाई 15 सोलह क्वेश्चन का आंसर जल्दी से सही आंसर करके बता दो इस क्वेश्चन का निम्न निम में से कौन सी खनिज संपदा राजस्थान में नहीं पाई जाती है बताओ ऐसी कौन सी खनिज संपदा है जो राजस्थान में नहीं पाई जाती है थोरियम एसबेस्टोस कोबालपर क्या आंसर्स होना चाहिए कौन सी संपदा राजस्थान में नहीं पाई जाती है बताए कौन सी संपदा है ऐसी जो राजस्थान में नहीं पाई जाती है सभी लोग रिस्पॉन्स करें भाई इस क्वेश्चन का आंसर आज के लास्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे 15 का सी भाई महेश वर्मा जी का करेक्ट आंसर आ गया भाई थोरियम थोरियम नहीं पाया जाता राजस्थान में नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल्स एवं फर्टिलाइजर्स स्थापित किया गया है अगर हम राजस्थान में राष्ट्रीय केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं तो कहाँ पे स्थापित किया गया बताओ चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन में आपके कोटा जिले के गढ़ेपान में हनुमानगढ जिले के रावतसर में भीलवाड़ा जिले के में आप लोगों के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा राजस्थान राष्ट्रीय एवं फर्टिलाइजर्स बताओ राष्ट्रीय केमिकल्स एव फर्टिलाइजर्स आपका कहाँ पे स्थापित किया गया सिक्सटीन क्वेश्चन को आंसर करें भाई सभी लोग बहुत अच्छे राहुल जी का करेक्ट आंसर जा रहा है चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन में ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का करेक्ट आंसर कौन सी खनिज संपदा राजस्थान में नहीं पाई जाती है थोरियम नहीं पाई जाती है राशि कैमिकल्स क्या, एवं फर्टिलाइजर्स आपका स्थापित किया गया चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन में ये दोनों क्वेश्चंस आप लोगों ने ध्यान रखने हैं और फिर आज की क्लास को हम लोग यहीं पर ही समाप्त करते हैं क्या करते हैं आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं कल इसी टाइमिंग में आप लोगों को मिलेंगे भाई सभी लोग क्लास को शेयर जरूर करें अगर आप इतने कम स्टूडेंट्स प्रेजेंट होंगे तो बताओ फास्ट रिविजन क्लास लगाने का फिर कोई मीनिंग ही नहीं रह जाएगा चले भाई सभी लोग शेयर जरूर करें थैंक यू सो मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट थैंक यू